तो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को आवाज़ आ रही होगी। प्लीज़ एक बार मुझे रिवर्ट बैक कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। गुड आफ्टरनून नामगिल नेगी जी, सैम सहोता, दीपक गर्ग, राम नारायण, मोहम्मद हुसैन, एवरीवन। मोहम्मद कासिम, मुझे पता है कल आपका एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए जूरिस्प्रूडेंस का, और डेफिनेटली मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास जो इस टाइम पर सिलेबस है वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मीरठ का सिलेबस है, जूरिस्प्रूडेंस वन का, जिसमें आपको 7 टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल एंड इकोनॉमिक अप्रोच ऑफ लॉ। तो आज इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये रिविज़न सेशन इन सभी टॉपिक्स के ऊपर होगा, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मीरठ के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज किए थे, प्लीज़ सर आप जूरिस्प्रूडेंस पर एक रिविजनल सेशन बनाइए, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बनाया हुआ है, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर। तो इन्हीं सभी स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। आई होप आप सभी को आवाज़ आ रही होगी मेरी अच्छे से। तो सबसे पहले शुरू करेंगे द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ना है जूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। मेरे दोस्तों स्टूडेंट्स, जूरिस्प्रूडेंस जो टर्म है वो लैटिन टर्म जूरिस्प्रूडेंशिया, जूरिस प्रूडेंशिया से ली गई है, जो बेसिकली दो टर्म से बना है, जूरिस एंड प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है जो चीज लॉ के रिगार्डिंग हो, लीगल, समथिंग रिगार्डिंग लॉ और लीगल, और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज, इसका मतलब होता है नॉलेज। And if we combine these two terms, that is juris and prudentia, it means knowledge of law. You can also write down in your copies if you have with you
योरसेल्फ, आप कॉपीज में लिख भी सकते हो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, टर्म जुरिस्प्रूडेंस जो है वो लैटिन भाषा, लातिनी भाषा के टर्म जुरिस्प्रूडेंशिया से निकला है, जिसको जुरिस और प्रूडेंस दो टर्म से मिलाकर बनाया गया है। जुरिस का मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज, और अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ। क्वेश्चन ये अराइज होता है किस तरह के लॉ की नॉलेज करता है जुरिस्प्रूडेंस, हमें किस तरह के लॉ की नॉलेज देता है। तो स्टूडेंट्स, हम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सभी को पता है लॉज आर ऑफ वेरियस काइंड्स, लॉ के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कितने सारे लॉज होते हैं। तो जुरिस्प्रूडेंस किसी एक पर्टिकुलर लॉ की बात नहीं करता, ये इन सभी लॉज के जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी हमारे लॉज हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, चाहे लॉ ऑफ टोर्ट्स है, चाहे सिविल लॉ है, चाहे क्रिमिनल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, जितने भी लॉज हैं उन सभी के जो जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमें जुरिस्प्रूडेंस से पता चलते हैं। जुरिस्प्रूडेंस को लॉ की आई माना जाता है, इट इज कॉल्ड एज द आई ऑफ लॉ। लास्की ने कहा था कि जुरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, ये जितने भी लॉज हैं उन सभी की आई है, उन सभी की आंख है, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस सभी लॉज के बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी बात ध्यान सुना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि हमें क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बताता है, यह हमें बताता है कि अगर किसी को अरेस्ट करना है तो उसका क्या राइट बनता है, उसको हमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने पड़ते हैं, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ऐसे ऐसे राइट्स हमें CRPC देता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये हमें क्या बताता है, ये हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, ये क्रिमिनल राइट्स के बारे में बताता है, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। जैसा कि सिविल लॉ, ये हमें सिविल राइट्स के बारे में बताता है, लेकिन राइट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय राइट, ये बेसिक टर्म राइट कहाँ से पता चलती है, जुरिस्प्रूडेंस से। बेसिक टर्म राइट कहाँ से पता चलेगी, जुरिस्प्रूडेंस से। सिविल लॉ CPC हमें बताता है ओनरशिप के बारे में, कैसे अगर किसी ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है हम कैसे केस करेंगे और कैसे कब्जा वापस लेंगे। पोजेशन के बारे में बताता है, पर पोजेशन क्या है, बेसिक जो आइडिया है वो जुरिस्प्रूडेंस देता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें बताता है कि हमारे पास राइट है, हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है फिर उस पार्टी को, दूसरी पार्टी को कंपनसेशन देना पड़ता है, अर्थात जिसने ब्रीच किया उसकी कुछ लाइबिलिटी बनती है। पर ये लाइबिलिटी टर्म क्या है वो जुरिस्प्रूडेंस बताता है। तो जुरिस्प्रूडेंस क्या बताता है मेरे दोस्तों, जुरिस्प्रूडेंस बेसिकली हमें लॉज के बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है। जितने भी लॉज हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, चाहे वो सिविल लॉ है, चाहे वो क्रिमिनल लॉ है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज कहाँ से आती है, जुरिस्प्रूडेंस से। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गई होगी व्हाट इज जुरिस्प्रूडेंस। बेसिकली जुरिस्प्रूडेंस इज अ नॉलेज ऑफ लॉ, इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट वेरियस ब्रांचेस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ लॉ। इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द सोर्सेज ऑफ लॉ, फ्रॉम वेयर द लॉ हैज कम इन टू एग्जिस्टेंस एट द प्रेजेंट टाइम। वॉज दिस लॉ existed in the earlier society in the same sense as in existing in the present society, क्या जो law है वो पहले भी ऐसे exist करता था। तो ये सारी बातों के बारे में मेरे को बताता है jurisprudence, बताता है law आया कहाँ से है jurisprudence बताता है, कैसे develop हुआ jurisprudence बताता है, लॉज के सोर्सेज क्या क्या है जुरिस्प्रूडेंस बताता है, राइट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ओनरशिप क्या है, पोजेशन क्या है, जुरिस्प्रूडेंस ही बताता है। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो आई होप आपका मीनिंग क्लियर हो गया होगा जुरिस्प्रूडेंस का। बेसिकली आप यही लिखोगे इसमें, टर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन टर्म जुरिस एंड प्रूडेंशिया, जुरिस्प्रूडेंशिया दैट इज
that has been made by the mixture of two terms, juris and prudence. Juris means law and prudentia means knowledge. Therefore, jurisprudence means knowledge of law. यही बात जो मैंने आपको बताई वो आप इसमें लिखोगे. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. सभी को मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है. 26 हमारे साथ लाइव हैं. प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें कि थोड़ा भी समझ आ रहा हो. अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें, डेफिनेटली आपको समझ आएगा. और साथ ही साथ थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अस 20 rupees सुपर चैट. थैंक यू वेरी मच. तो जूरिसप्रूडेंस का मीनिंग भी आप यही लिखोगे. अब बेसिकली बात आती है डेफिनेशंस की, कि जो पेपर में क्वेश्चन आपको डेफिनेशंस में से आता है कि व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ जूरिसप्रूडेंस. जो पेपर में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन में से ही आता है. डेफिनेशंस पेपर में क्वेश्चन आता है कि डेफिनेशंस क्या है जूरिसप्रूडेंस की. सिंपल सिंपल तीन चार डेफिनेशन पढ़ेंगे. सबसे पहली डेफिनेशन उल्पेन. अकॉर्डिंग टू उल्पेन, हमारे उल्पेन एक स्कॉलर हैं, ये क्या बोलती हैं कि जूरिसप्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट. क्या है जूरिसप्रूडेंस? साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, या आप ये लिख सकते हो साइंस ऑफ राइट एंड रोंग. जूरिसप्रूडेंस हमें क्या बताता है कि राइट क्या है और रोंग क्या है, सही क्या है गलत क्या है. पूरी डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ. क्या बोलते हैं उल्पेन? रोमन जुरिस्ट हैं ये. क्या बोलते हैं? जुरिसप्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ राइट एंड नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट. क्या होता है जुरिसप्रूडेंस? जुरिसप्रूडेंस जो मेन वर्ड है, की वर्ड वो यही है कि जुरिसप्रूडेंस इज द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट. जूरिसप्रूडेंस ही है जो हमें बताता है जस्ट क्या है, सही क्या है और अनजस्ट क्या है, गलत क्या है. किसी का मर्डर करना गलत है, जूरिसप्रूडेंस बताता है. लाइबिलिटी इम्पोज होगी आपके ऊपर. किसी के राइट को ब्रीच करना गलत है, जूरिसप्रूडेंस बताता है. अपना राइट एक्सरसाइज करना राइट है, जूरिसप्रूडेंस बताता है. अर्थात जूरिसप्रूडेंस क्या है? इट इज बेसिकली अ साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट. आप यही लिखोगे, दैट वुड बी सफिशिएंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वो आप लिख सकते हो, दैट इज ऑफ जूलियस स्टोन. जूलियस स्टोन जो हमारे स्कॉलर है, उन्होंने क्या बोला है? जूरिसप्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्सट्रावर्जन. लॉयर एक्स्ट्रा वर्जन, लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, बस ये मेन टर्म है. जूरिसप्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन. जूलियस स्टोन ने बोला है जूरिसप्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन. इसका मतलब क्या है कि लॉयर जो हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो लोगों की नॉलेज रखते हैं, बेसिकली लॉयर्स जिनको लीगल नॉलेज है, जो जूरिस्ट हैं, वो प्रैक्टिकली कैसे लोग अप्लाई करते हैं, वो कहाँ से पता चलता है? जूरिसप्रूडेंस से. व्हाट इज जूरिसप्रूडेंस? इट इज बेसिकली हाउ द लॉयर्स अप्लाई द लॉ प्रैक्टिकली, हाउ द लॉयर्स अप्लाई द लॉ इन देयर लाइफ प्रैक्टिकली. व्हाट इज जूरिसप्रूडेंस? इट इज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, हाउ द लॉ अप्लाई, हाउ द लॉ इज अप्लाइड बाई द लॉयर इन द सोसाइटी, दैट इज जूरिसप्रूडेंस. हमें किसने बोला? जूलियस स्टोन ने. दो डेफिनेशन होगी. उल्पेन ने बोल दिया इट इज अ साइंस ऑफ राइट एंड रोंग और जस्ट एंड अनजस्ट, और जूलियस स्टोन ने क्या बोल दिया? इट इज लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन. तीसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम प्रोफेसर साल्मंड की. साल्मंड क्या बोलते हैं? हमारे जूरिसप्रूडेंस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. यस, साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. अ वेरी सिंपल डेफिनेशन इज दिस. क्या जूरिसप्रूडेंस? इट इज अ साइंस. ये साइंस है किसकी? ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. इसने बेसिकली सिविल लॉ के ऊपर फोकस किया. इसने, साल्मंड ने क्या कहा कि जूरिसप्रूडेंस क्या है? जस्ट सिविल लॉ की साइंस है. इट इज साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ. इसके बाद अगले डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोफेसर ऑस्टिन की. ये आपने डेफिनेशन लिख लेनी है, पेपर में डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी. डिफाइंस जूरिसप्रूडेंस, तो आप डिफाइन करके वहां में मीनिंग तो लिख दोगे, चलो ठीक है, पर डेफिनेशन लिखनी पड़ेंगी आपको.
जूलियस स्टोन, उल पेन एंड सालमन। तीसरा है आस्टिन। आस्टिन क्या बोलते हैं? व्हाट इज जुरिसप्रूडेंस? जुरिसप्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ आल्सो। ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु यूज द टर्म साइंस, दैट जुरिसप्रूडेंस इज अ साइंस। सबसे पहले इसने कहा था कि जुरिसप्रूडेंस साइंस है। तो व्हाट इज जुरिसप्रूडेंस? इट इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, और साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसने पॉजिटिव लॉ के फोकस किया। डोंट वरी, हम एनालिटिकल स्कूल में आस्टिन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, इस डेफिनेशन को वहां इलेबोरेट करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो जुरिसप्रूडेंस क्या होता है, इट इज साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। एंड लास्ट डेफिनेशन छोटी सी आपने याद कर लेनी है होलैंड की। होलैंड क्या बोलते हैं? जुरिसप्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ, इट इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। यस, इट इज फॉर्मल साइंस ऑफ, फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, इट इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। पांच डेफिनेशन मैंने आपको बताई। सबसे पहली बता दी मैंने आपको उल्पेन की, जिसने बोला जुरिसप्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। दूसरी बताई मैंने आपको जूलियस स्टोन की, जिन्होंने क्या बोला जुरिसप्रूडेंस क्या है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। तीसरी बताई मैंने आपको सालमन की, सालमन ने क्या बोला जुरिसप्रूडेंस क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। चौथी मैंने आपको बताई आस्टिन की, जिन्होंने क्या बोला जुरिसप्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। एंड लास्ट हमने पढ़ी होलैंड की, जिन्होंने बात करी जुरिसप्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो डेफिनेशन भी हमारी खत्म हो जाती हैं, डेफिनेशंस ऑफ जुरिसप्रूडेंस। अगला जो टॉपिक है, जो पेपर में क्वेश्चन आता है, वो आता है नेचर के ऊपर, कि जुरिसप्रूडेंस का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ जुरिसप्रूडेंस। नेचर क्या है जुरिसप्रूडेंस का? नेचर का मतलब कि एक सब्जेक्ट जो जुरिसप्रूडेंस हम पढ़ रहे हैं, इसकी प्रकृति क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, क्या ये प्रोसीजरल है, या ये सबस्टेंटिव है, या ये साइंस है, या ये आर्ट है, या ये एक हमारा है क्या, व्हाट इज दिस जुरिसप्रूडेंस है क्या। तो सबसे पहले नेचर में आप लिखोगे, बाकी तो आप लिख दोगे जुरिसप्रूडेंस वर्ड कहाँ से आया है, जो मीनिंग में बताया, डेफिनेशन में बताया, वो तो पेपर में आप लिख दोगे। नेचर में क्या लिखोगे वही बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप लिखोगे इट इज नॉट प्रोसीजरल लॉ, इट इज नॉट प्रोसीजरल लॉ। सबसे पहला नेचर इसका ये है जुरिसप्रूडेंस का, ये भाई प्रोसीजरल लॉ नहीं है। लॉ कैन बी प्रोसीजरल, कैन बी सब्सटेंटिव, दिस जुरिसप्रूडेंस इज नॉट अ प्रोसीजरल लॉ बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड द प्रोसीजर नेदर इन क्रिमिनल केसेस नॉर ऑफ सिविल केसेस। ना तो ये सिविल केसेस का प्रोसीजर बताता है, ना ये क्रिमिनल केसेस का प्रोसीजर बताता है। सेकेंडली इट इज नॉट सब्सटेंटिव लॉ, जुरिसप्रूडेंस सब्सटेंटिव लॉ भी नहीं है, प्रोसीजरल लॉ नहीं है, पता चल गया, सब्सटेंटिव लॉ भी नहीं है। व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ? सब्सटेंटिव लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो हमें राइट्स देता है, जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें राइट देता है हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, जैसा कि आईपीसी हमें राइट देता है कि हमारा कोई मर्डर ना करे, हमारे साथ कोई गलत ना करे, हमारे साथ कोई ऑफेंस ना कमिट करे। तो जो जुरिसप्रूडेंस है वो किसी को कोई राइट नहीं देता, ना तो वो प्रोसीजर बताता है हमें, कभी किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो जुरिसप्रूडेंस नहीं बताएगा कि जिसने मर्डर किया उसके साथ करना क्या है, उसको कैसे सजा होगी, जुरिसप्रूडेंस नहीं बताता। ना ही जुरिसप्रूडेंस बताता है किसी पर्सन के राइट्स क्या हैं, राइट्स कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रो बताता है, हिंदू मैरिज एक्ट हमें राइट बताता है, हमारा राइट है हम मैरिज करने का, डिवोर्स लेने का, रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का राइट है हमें, हमें जो है वो आईपीसी हमारे राइट्स बताता है, हमारा कोई मर्डर ना करे, हमारे साथ कोई हमारे घर में चोरी ना करे, हमारे राइट्स हैं सारे वो। तो जो जुरिसप्रूडेंस है वो ना तो प्रोसीजर बताता है, प्रोसीजर लॉ भी नहीं है, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो जिसने मर्डर किया उसको कैसे सजा होगी, प्रोसीजर क्या होगा, सीआरपीसी बताता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
ये नहीं बताता। अगर किसी ने मेरी लैंड पर कब्जा कर लिया तो जूरिस्प्रूडेंस नहीं बताता कि मैंने वो कब्जा कैसे शुरुआना है, सीपीसी बताता है। तो जूरिस्प्रूडेंस ना तो प्रोसीजरल लॉ है, ना ही सब्सटेंटिव लॉ है, ना तो राइट्स के बारे में बताता है, ना उन राइट्स को अचीव करने के बारे में बताता है। फिर है क्या? तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है? इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है फिर? ना तो सब्सटेंटिव लॉ है, ना प्रोसीजरल लॉ है, तो क्या है? ये हमें लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है। बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे? जैसे राइट क्या होगा, रेमेडी क्या होगी, लाइबिलिटी क्या होगी, इनकी डेफिनेशंस बताता है। पोजेशन क्या होगा, इनकी ओनरशिप क्या होगी, एक बेसिक जो प्रिंसिपल्स है, जो टर्म्स हम सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, प्रोसीजरल सब्सटेंटिव लॉज में यूज करते हैं, उन टर्म्स को बेसिकली बताता है वो टर्म्स हैं क्या। लेकिन हमें ये नहीं बताता कि हमारे राइट्स क्या हैं। जूरिस्प्रूडेंस की बुक आपके पास पड़ी होगी, आप पूरी बुक में खोल लो, वहाँ कहीं लिखा होगा आपके राइट्स क्या क्या हैं, वहाँ कहीं नहीं लिखा होगा आपकी रेमेडीज क्या क्या हैं। बस वहाँ लिखा होगा रेमेडी होती क्या है, रेमेडी सिविल होती है, क्रिमिनल होती है, वहाँ नहीं लिखा होगा कि रेमेडी अचीव कैसे करें, प्रोसीजर क्या होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या नेचर है। ना सिविल सब्सटेंटिव लॉ है ये, ना प्रोसीजरल लॉ है, ये हमें नॉलेज देता है बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा, इट इज अनकोडिफाइड लॉ। देखो लॉ दो तरह के होते हैं, एक कोडिफाइड लॉ होता है, एक अनकोडिफाइड लॉ होता है। कोडिफाइड लॉ का मतलब है जिसका प्रॉपर एक्ट बन गया है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाइड है, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोडिफाइड है, इंडियन पिनल कोड कोडिफाइड लॉ है, उनका प्रॉपर बेयर एक्ट है, प्रॉपर एक एक्ट बन गया है, लेजिस्लेचर ने प्रॉपर रूल्स बनाकर सेक्शंस में उनको डालकर बुक हमारे पास तैयार है। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस एक अनकोडिफाइड लॉ है, जैसे टोट एक अनकोडिफाइड लॉ है, वैसे जूरिस्प्रूडेंस भी क्या है? अनकोडिफाइड लॉ। इसका कोई कोड नहीं है, प्रॉपर सेक्शंस में नहीं है, ये बस फिलोसफर्स ने अपनी फिलोसफी दी और उसको लिख दिया गया, आस्टिन ने कुछ बोला उसको बुक में लिख दिया गया, दूसरा हमारे रोस्को पॉन्ड ने कुछ अपनी स्टेटमेंट दी उसको बुक में लिख दिया गया, वो आगे लोग स्टेटमेंट फॉलो करने लग पड़े। तो ये जस्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है, इसका कोई प्रॉपर सेक्शंस नहीं है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा नेचर में। अगला पॉइंट आप लिखोगे, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। आई ऑफ लॉ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण नेचर है इसका। जो हमारे लास्की प्रोफेसर लास्की हैं, उन्होंने बोला है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो आँख है लॉ की, कानून की आँख कौन है? जूरिस्प्रूडेंस। देखो जैसे एक मानव के शरीर में आँख बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रोल प्ले करती है, बिना आँख के हम संसार नहीं देख नहीं सकते बिना आँख के, उसी प्रकार जूरिस्प्रूडेंस अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बाकी लॉज बेसिक आइडिया नहीं पता चलेंगे कि लॉज में जो आप टर्म्स यूज़ कर रहे हो वो है क्या। आप जितने मर्जी लॉज पढ़ लो पर आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं, आप उन लॉज को पढ़ने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सभी लॉज की एक प्रॉपर आँख है, इसी जूरिस्प्रूडेंस से आप सभी लॉज के बेसिक प्रिंसिपल्स देख सकते हो। तो दिस इज द नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स हो गए, 6 और 5 पॉइंट जो भी हैं। इसके अलावा आप लिस्ट क्या लिख सकते हो, इज इट साइंस। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करोगे नेचर में, इज इट साइंस। आप लिखोगे कि रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस देयर इज अ क्वेश्चन, इज इट अ साइंस और नॉट। हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, आस्टिन, होलैंड, साल्मंड, ऑल दीज जूरिस्ट कंसीडर द जूरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस, वो जूरिस्प्रूडेंस साइंस मानते हैं। ऑस्टिन बोलते हैं इट इज अ साइंस ऑफ फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। सार्मन बोलते हैं साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ। होलैंड बोलते हैं इट इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो सभी ने साइंस वर्ड यूज किया, ये सभी क्या मानते हैं, ये साइंस है। तो आप इज इट साइंस में जितना भी आस्टिन की डेफिनेशन है, सार्मन की डेफिनेशन है,
स्कॉलर की डेफिनेशन वो सारी लिख दोगे, ये सभी स्कॉलर्स क्या मानते हैं, ज्यूरिसप्रूडेंस साइंस है। तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। अगर पेपर में क्वेश्चन नेचर को लेकर आता है तो डोंट बी कंफ्यूज, ये सारी टर्म्स लिखनी है जो मैंने बताई आपको, ये प्रोसीजरल नहीं है, सब्सटेंटिव नहीं है, कोडिफाइड नहीं है, अनकोडिफाइड है, बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है, आई ऑफ लॉ है और साथ में ये साइंस है, ये स्कॉलर्स मानते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स को साइंस नहीं मानते। अगला पॉइंट आप लिखोगे, इट इज नॉट अ साइंस, देयर आर सम अदर स्कॉलर्स हु डू नॉट कंसीडर दिस ज्यूरिसप्रूडेंस एज अ साइंस बट दे कंसीडर इट एज एन आर्ट, वो इसको आर्ट मानते हैं। व्हेन एन एडवोकेट डू प्रैक्टिस इन द कोर्ट, दिस इज पर्टिकुलर आर्ट हाउ टू प्रेजेंट द केस एंड ज्यूरिसप्रूडेंस हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। अब ये सारी बातें आर्ट में लिख दोगे कि प्रैक्टिकली जो बंदा काम करता है तो ज्यूरिसप्रूडेंस हमें हेल्प करता है सीखने का। तो एक बार मुझे बता दीजिए स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है क्या, मैसेज कर दीजिएगा, बस समझ आ रहा है, नेचर क्लियर है आप लोगों को? अब स्कोप पढ़ेंगे हम इसके बाद, इसकी स्कोप क्या है, बड़े सिंपल पॉइंट्स है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक बार बता दीजिए समझ आ रहा है? यस 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 ऋतिक ठाकुर, यस समझ आ रहा है, अनकोडिफाइड, गुड आफ्टरनून सर, स्टूडेंट्स के नेम भी ले लिया करो जिससे स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है। सुनील कुमार जी, डेफिनेटली आई विल प्रनाउंस द नेम, संजीव कुमार, गुड आफ्टरनून, अंकिता, मिथुन सैनी, रितु कोहली, अखिल थैंक यू सो मच, संजीव कुमार, सुनील कुमार, रजत कुंडी, हेलो हेलो सर, हेलो जी हेलो, राम नारायण, मोहम्मद, लास्ट वाला सर, इट इज़ नॉट अ साइंस, यस हाँ जी, इट इज़ नॉट अ साइंस। देखो ज्यूरिसप्रूडेंस साइंस है या नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं हो ये साइंस है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, यही कहीं कहीं लिखा होगा ये साइंस है, वो तो हो गया, ये जुरिस्ट ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं। आस्टिन मानते हैं ये साइंस है, दूसरे होलर मानते हैं साइंस है, लेकिन आप हिस्टोरिकल स्कूल की तरफ जाओगे तो हिस्टोरिकल स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं रोस्को पॉन्ड वगैरह, वो इसको साइंस नहीं मानते, वो इसको सोशियोलॉजी के साथ लिंक करते हैं, इसको सोशल साइंस मानते हैं, जैसे पोलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी सोशल साइंस है, वैसे वो मानते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस भी एक सोशल साइंस है, ये साइंस नहीं है। तो ये तो अपने एक व्यूज़ हैं, लेकिन आप नेचर में क्या लिखोगे, ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है, सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, अनकोडिफाइड लॉ है, ये जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है हमें लॉज के, ये आई ऑफ लॉ माना जाता है इसको, और फाइनली जो मैंने आपको बताया ये साइंस है भी और नहीं भी है, किसने बोला सभी व्यूज लिख दो उसके अंदर, और नहीं किसने बोला हिस्टोरिकल स्कूल को मेंशन कर दो। अब आगे आते हैं नेचर, सॉरी नाउ स्कोप, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस ज्यूरिसप्रूडेंस। तो स्टूडेंट्स अगर ज्यूरिसप्रूडेंस की स्कोप की बात करूँ, सब्जेक्ट की स्कोप की, इसकी स्कोप टाइम टू टाइम चेंज हुई है, टाइम टू टाइम डेवलप हुई है। इसकी स्कोप को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले अर्ली टाइम पर, पहले इसकी स्कोप क्या थी ज्यूरिसप्रूडेंस की, फिर हम इसका आस्टिन आगे हमारे आस्टिनियन पीरियड के टाइम पर स्कोप क्या थी, और फिर हम मॉडर्न पीरियड पर इसकी स्कोप को डिस्कस कर सकते हैं। स्कोप का मतलब होता है इसका एरिया कि क्या क्या कवर करता है। तो अर्ली टाइम पर, पुराने टाइम पर ज्यूरिसप्रूडेंस की स्कोप बहुत ही नैरो थी। ज्यूरिसप्रूडेंस स्टडी किसकी करता था, मोरालिटी की, रिलीजन की, मोरालिटी रिलीजन एंड सम कस्टम्स ट्रेडिशंस, बस इन्हीं की स्टडी करता था ज्यूरिसप्रूडेंस, क्योंकि हम लोग रिलीजन के जरिए कंट्रोल्ड किए जाते थे, मोरालिटी के जरिए हम लोग कंट्रोल होते, सोसाइटी पहले इन चीज़ों के जरिए कंट्रोल होती थी, कोई पर्सन अपने रिलीजन के अगेंस्ट कोई काम नहीं करता था, कोई पर्सन अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं जाता था, कोई पर्सन अपने कस्टम्स के अगेंस्ट जाना अच्छा नहीं मानता था। तो पहले टाइम पर इन चीज़ों, ये जो मैं आपको तीन चीज़ें लिखी, इन चीज़ों से पर्सन कंट्रोल हो जाते थे, रिटर्न लॉज होते नहीं थे हमारे, बस जो कस्टम है वही लॉज होते थे। तो शुरू में ज्यूरिसप्रूडेंस की स्कोप बड़ी नैरो थी, इसका स्टडी करने का जो एरिया था वो यही था कि ये मोरालिटी को स्टडी करेगा, रिलीजन को स्टडी करेगा, कस्टम को स्टडी करेगा। फिर आस्टिन आ गए हमारे, जब हमारे आस्टिन आए 17th के टाइम पे, 17 1700 समथिंग के टाइम पे जब आस्टिन आए, तो
ऑस्टिन ने क्या किया, एक थ्योरी दी लॉ की, कि कमांड थ्योरी जिसको आप बोलते हो, कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन। इसने पॉजिटिव लॉ के बारे में बताया, पॉजिटिव लॉ के बारे में बताया, और इसने बोला ज्यूरिसप्रूडेंस क्या स्टडी करता है, बस पॉजिटिव लॉ। ज्यूरिसप्रूडेंस क्या बताता है हमें, पॉजिटिव लॉ के बारे में। पॉजिटिव लॉ मतलब लॉ एज इट इज, जो प्रेजेंट में लॉ एग्जिस्ट करता है उसके बारे में ज्यूरिसप्रूडेंस बताता है। जो होता कौन है, लॉ लॉ कौन होगा, जो कमांड सुपीरियर की होगी। इसने कस्टम इग्नोर कर दिए, जजेस को इग्नोर कर दिया, इसने वेलफेयर लॉ को इग्नोर कर दिया, वोल्केजिस्ट विल ऑफ पीपल को इग्नोर कर दिया। मैं आपको सारी बातें ऑस्टिन वाले कंसेप्ट में अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल आप ये समझो कि ऑस्टिन जब आए तो इसने पॉजिटिव लॉ के ऊपर फोकस किया। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है लॉ एज इट इज, जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस टाइम पे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो अच्छा लॉ है चाहे वो बुरा लॉ है, बस जो एग्जिस्ट कर रहा है वो उसके साथ डील करता है ऑस्टिन। तो ऑस्टिन ने भी क्या किया, ज्यूरिसप्रूडेंस की स्कोप को बड़ा नैरो कर दिया, पॉजिटिव लॉ ही रखा इसकी स्कोप को। उसके बाद आगे आई मॉडर्न, मॉडर्न सोसाइटी में पहुंचे, प्रेजेंट सोसाइटी में पहुंचे, तो नाउ द स्कोप ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस इज वेरी लार्ज, अ वेरी वाइडर स्कोप इज देयर, बहुत ही वाइडर स्कोप है, कोई नैरो स्कोप नहीं है ज्यूरिसप्रूडेंस की। आपके टाइम पे ज्यूरिसप्रूडेंस की बहुत वाइडर स्कोप है, मैं आपको बताऊंगा अभी स्कोप अभी के टाइम पे। अब के टाइम पे ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो हमें नॉलेज ऑफ लॉ देता है, बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज देता है, हमें लीगल थ्योरी की नॉलेज देता है, सोर्सेज की नॉलेज देता है, स्कूल्स की नॉलेज देता है, बहुत कुछ हमें बताता है ज्यूरिसप्रूडेंस। आगे मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। मैंने क्या बताया आपको, अर्ली टाइम से शुरू कर देना आपने, अर्ली टाइम पे मोरालिटी रिलीजन कस्टम से लोग रेगुलेट होते थे, ज्यूरिसप्रूडेंस इन्हीं की स्टडी करता था, नैरो स्कोप की ज्यूरिसप्रूडेंस की। ऑस्टिन आगे, बेंथम आगे, जब हमारे इन्होंने क्या किया, डेफिनेशंस दी अपनी ज्यूरिसप्रूडेंस को लेकर, पर फिर भी नैरो डेफिनेशन दी, पॉजिटिव लॉ के ऊपर फोकस किया, जज मेड लॉ को इग्नोर कर दिया, जो अपने हमारे वर्ल्ड के जिस्ट होते हैं कंसेप्ट, विल ऑफ पीपल, लोग क्या चाहते हैं उनको इग्नोर कर दिया, कस्टम को इग्नोर कर दिया। ऑस्टिन ने बड़ी नैरो स्कोप दी, लेकिन मॉडर्न टाइम पे अब हमारी जो ज्यूरिसप्रूडेंस की स्कोप है वो बहुत वाइडर हो गई है, अब ये स्कोप काफ़ी वाइडर हो गई है। तो अब देखते हैं क्या इसकी स्कोप है, क्या इसकी स्कोप में आता है। तो इसकी स्कोप में क्या क्या आता है, ज्यूरिसप्रूडेंस की स्कोप में सबसे पहले हमें ज्यूरिसप्रूडेंस क्या बताता है, सोर्सेस ऑफ लॉ। ज्यूरिसप्रूडेंस हमें लॉ के सोर्सेस की नॉलेज देता है, लॉ कहाँ से आया, लॉ कस्टम से आया, लॉ ट्रेडिशन से आया, लॉ कहाँ से आया, लॉ हमारे लेजिस्लेचर ने बनाया, लॉ लेजिस्लेशन से आया, लॉ कहाँ से आया, लॉ जजेस ने बनाया, लॉ प्रेसिडेंट से आया, कस्टम ट्रेडिशन लेजिस्लेशन प्रेसिडेंट, दीज ऑल द सोर्स, दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ लॉ। और ये सोर्सेज ऑफ लॉ हमें कौन बताता है, ज्यूरिसप्रूडेंस बताता है। ज्यूरिसप्रूडेंस हमें बताता है कि लॉ के सोर्सेज क्या हैं, लॉ आया कहाँ से, जो हमारे कस्टम थे वो लॉ बन गए, जो हमारे ट्रेडिशंस थे पुराने रीति रिवाज वो लॉ में तब्दील हो गए, जो हमारे लेजिस्लेचर हमने बनाए, पार्लियामेंटेरियन बनाए, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिले भेजे, उन्होंने लॉज बनाए तो लॉज हमारे सामने आ गए, वो लॉ बनाते हैं, या फिर जो जजेस ने अपने जजमेंट्स दी, जो जजमेंट दी वो लोअर कोर्ट पर बाउंड हो गई, क्योंकि ऊपर के जो कोर्ट जजमेंट देते हैं वो लोअर कोर्ट पर बाइंडिंग होती है, उनको फॉलो करनी पड़ती है। हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो जजमेंट देता है देते हैं वो नीचे वाले कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होती है। तो जो प्रेसिडेंट्स, जो जजमेंट लॉज बनते हैं उनको प्रेसिडेंट बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट भी सोर्स ऑफ लॉ है। तो ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, ज्यूरिसप्रूडेंस से। तो देखो इसका एरिया कितना वाइडर है कि हमें सोर्सेज के बारे में बता रहा है, नॉलेज सोर्सेज की नॉलेज दे, लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं। दूसरा जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो हमें क्या बताता है, वो हमें राइट क्या होगा इसके बारे में बताता है, ड्यूटी क्या होगी इसके बारे में बताता है, ओनरशिप क्या होगी इसके बारे में बताता है, पोजेशन क्या होगा इसके बारे में बताता है, हमें ज्यूरिसप्रूडेंस बताता है लायबिलिटी क्या होगी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये हमें ज्यूरिसप्रूडेंस बताता है। हमें ज्यूरिसप्रूडेंस बताता है कि ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, इसके अलावा नेग्लिजेंस क्या होती है, ध्यान से हमें कोशिश करना,
जो स्टूडेंट हमें नॉलेज देता है राइट क्या है, वैसे हमें सब्सटेंटिव लॉ हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो हमें हमारे राइट्स के बारे में बताते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पर राइट टर्म होती क्या है वो हमें जूसप्रिंस बताता है। हमारे ऊपर ड्यूटीज इम्पोज की गई हैं सी अपना आईपीसी ने कि हमने किसी का मर्डर नहीं करना है, पर ड्यूटी का मतलब क्या है वो हमें जूसप्रिंस बताता है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, इसके काइंड्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, जूसप्रिंस बताता है। पोजेशन हमें, पोजेशन क्या होते हैं, इसके काइंड्स क्या होते हैं, इसके डिफरेंट जो है मीनिंग क्या होता है वो हमें जूसप्रिंस बताता है। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी का काइंड, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी कौन बताता है, जूसप्रिंस बताता है। ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है, नेग्लिजेंस का मतलब क्या है, कौन बताता है, जूसप्रिंस। तो आप देखो कितनी स्कोप वाइडर हो रही है जूसप्रिंस की। जूसप्रिंस से हमें सोर्सेज का पता चलता है, लॉ कहाँ से आया। जूसप्रिंस से हमें ये बेसिक कंसेप्ट्स का पता चलता है। इसके अलावा जूसप्रिंस से हमें स्कूल्स ऑफ थॉट्स का पता चलता है। जूसप्रिंस की कुछ एक स्कूल्स हैं, एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल, फिलोसफिकल स्कूल, रियलिस्टिक स्कूल। तो ये स्कूल्स हैं, इनका नॉलेज भी किससे हमें आता है, जूसप्रिंस से। जूसप्रिंस हमें बताता है एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बोलता है। अब स्कूल का मतलब क्या है, आप सोचोगे स्कूल का मतलब क्या होता है, ये क्या कोई विद्यालय है, कोई पाठशाला है, तो नहीं। स्कूल का मतलब है आइडियोलॉजी, फिलोसफी। मान लो मैं लॉ की डेफिनेशन अपने तरीके से देता हूँ, मैं कुछ मानता हूँ लॉ ये है, दूसरा एक पर्सन है वो भी ये मानता है लॉ ये है, तीसरा पर्सन है वो भी ये मानता है लॉ ये है, हम तीनों की आपस में सोच मिलती है। मैंने भी बोला कि लॉ पॉजिटिव लॉ होता है, उसने भी ये बोला, तीसरे ने भी ये बोला, तो तीनों हम अब एक स्कूल में आ जाएंगे, तीनों हम एक स्कूल में आ गए, वैसे एनालिटिकल स्कूल बन गया। अब एनालिटिकल स्कूल में हार्ट भी आ जाता है, आस्टिन भी आ जाता है, एनालिटिकल स्कूल में कैल्सन भी आता है, क्योंकि तीनों की सोच सेम थी। वैसे हिस्टोरिकल स्कूल जो था वो बोलता था लॉ हिस्ट्री से बना है अपने आप, तो वो सेविगनी भी ऐसे ही मानता था, हेनरी मैने भी ऐसे ही मानता था, पुष्ता भी ऐसे ही मानता था, वो तीनों ने अपना स्कूल बना लिया, उनके तीनों के थॉट्स जो थे वो एक पर्टिकुलर स्कूल में डाल दिए। स्कूल का मतलब है आइडियोलॉजी। तो स्कूल का नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, स्कूल से नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, जूरिस्प्रूडेंस से। दिस इज अबाउट द स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो बच्चों आई होप आपको जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप क्लियर होगी होगी कि जूरिस्प्रूडेंस की स्कोप क्या क्या है। अब लास्ट में टॉपिक आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यूटिलिटी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस की उपयोगिता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में बाद में जब वीडियो अपलोड करूँगा मैं सभी टॉपिक्स के पॉइंट डाल दूंगा वहाँ पे कि मैंने इस लाइव सेशन में डिस्कस क्या क्या किया है, ताकि अगर आप कभी वीडियो दोबारा से देखो या कोई भी बाद में देखे उसे पता चल जाए कि इस वीडियो सेशन में ये चीज़ें डिस्कस करी गई हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, क्या महत्व है जूरिस्प्रूडेंस का, सिंपल है, जूरिस्प्रूडेंस हमें लॉ का नॉलेज देता है, प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ लॉ। सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, हमें लॉ का नॉलेज देता है, हमें बताता है लॉ क्या है। दूसरा जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, ये बेसिक प्रिंसिपल्स बताता है हमें लॉ के, बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज देता है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तीसरा जूरिस्प्रूडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये जजेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, हेल्पफुल फॉर जजेस ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, हमें लॉ की नॉलेज देता है, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है हमें। जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, जो जजेस है हमारे, जो हमारी जुडिशरी है, उसको हेल्प करता है कि उसने लॉज को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है,
लेजिस्लेचर लॉ बना देती है, कभी कभी लॉ धुंधले होते हैं, वेग होते हैं। अब जज साहब की ड्यूटी है कि वो उस लॉ को अच्छे से पढ़कर इंटरप्रेट करे और उसका मीनिंग बताए कि लेजिस्लेचर क्या मीनिंग इसका बनाना चाहता था। तो जज साहब कैसे करेंगे, जुडिशरी कैसे ये काम करेगी, ज्यूरिसप्रूडेंस अर्थात नॉलेज ऑफ लॉ को, जो इसके इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़कर, लिटरल रूल होता है, गोल्डन रूल होता है इंटरप्रिटेशन का, वो आप इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट में पढ़ोगे, पर वो भी इसका ही पार्ट है ज्यूरिसप्रूडेंस का। तो जजेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ज्यूरिसप्रूडेंस, क्यों हेल्पफुल होता है, लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए। इसके अलावा आप अगला बोल सकते हो, रिमूव द कम्प्लेक्सिटीज, रिमूव द कम्प्लेक्सिटीज। जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो एडवोकेट्स लॉयर्स कि जो लॉ के रिगार्डिंग जो बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उनको रिमूव कर देता है, अर्थात लॉ को ज्यूरिसप्रूडेंस समझने में हमारी हेल्प करता है, हमें सिंप्लीफाई करता है कि लॉ है क्या। तो यूजफुल होता है लॉ जो है, ये ज्यूरिसप्रूडेंस हमारे एडवोकेट्स के लिए, हमारे लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द यूटिलिटीज। इसके अलावा आप और भी जो आपको दिमाग में आती हैं कि ज्यूरिसप्रूडेंस क्यों जरूरी है, इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट द सोर्सेज ऑफ लॉ, लो आया कहाँ से। तो हम जब तक हमें लो का सोर्स ही पता नहीं होगा हम क्या लो पढ़ेंगे, तो हमें ज्यूरिसप्रूडेंस का सोर्स ऑफ लो पता चलता है, तो भी हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा फर्स्ट जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, जिसमें हमने पढ़ा कि ज्यूरिसप्रूडेंस है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक बार आप मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि आपको ये पहला टॉपिक क्लियर है, ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। प्लीज़ लेट मी नाउ अबाउट द स्टेटस। समझ आ रहा है आप लोगों को? What is difference between interpretation and construction of laws? Rajat Pundir, जो interpretation है वो second step है, construction first step है। Yes, Mohammad Qasim, interpretation is a second step in the stages of law। पहले law construct किया जाता है, बनाया जाता है, उसके बाद उसको interpret किया जाता है, उसको बताया जाता है कि बनाने वाले ने बनाया क्या है। इंटरप्रिटेशन कौन करता है? हमारी जुडिशरी करती है। कंस्ट्रक्शन कौन करता है? हमारे लेजिस्लेचर्स करते हैं, हमारे जो लॉ बनाने वाली लॉ मेकिंग बॉडी है वो करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो स्कूल्स की बात करते हैं, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। अबाउट चार पांच स्कूल है ज्यूरिसप्रूडेंस के। सबसे पहला जो स्कूल है वो है एनालिटिकल स्कूल, दूसरा है हिस्टोरिकल स्कूल, तीसरा है हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल, चौथा है नेचुरल लॉ स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, और पांचवा है हमारा रियलिस्टिक स्कूल। छठा है हमारा फिलोसॉफिकल स्कूल। वैसे तो छह स्कूल्स हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्कॉलर्स जो फिलोसॉफिकल स्कूल है उसको नेचुरल लॉ स्कूल का ही पार्ट मानते हैं, और बहुत से स्कॉलर सोशियोलॉजिकल स्कूल को और रियलिस्टिक स्कूल को सेम मानते हैं, मतलब रियलिस्टिक स्कूल को सोशियोलॉजिकल स्कूल का ही पार्ट मानते हैं। अगर लमसम देखा जाए तो एक दो तीन चार, चार स्कूल्स हैं हमारे पास, क्योंकि फिलोसॉफिकल स्कूल नेचुरल स्कूल्स का ही पार्ट माना जाता है बहुत से स्कॉलर्स के जरिए, और रियलिस्टिक स्कूल को जो है वो सोशियोलॉजिकल स्कूल का पार्ट मानते हैं, इसको सेपरेट नहीं मानते। तो अब जो अगले जितने भी टॉपिक्स हैं वो स्कूल्स की बात करते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा स्कूल्स हैं क्या। तो स्टूडेंट्स, जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो हमें बताता है लॉ आया कहाँ से,
शुरुआत कैसे हुई? आज तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वी हैव आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट एंड वेरी मोर, मैनी मोर एक्ट्स आर देयर, मैनी मोर लॉज आर देयर। लेकिन ये जो लॉज है ये शुरू कहाँ से हुए, कहाँ से शुरुआत हुई लॉज की, लॉज निकले कहाँ से? तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स हुए हमारे, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए। कुछ एक स्कॉलर्स ने बोला कि लॉ जो है वो कमांड है सुपीरियर की, जो बड़े लोग थे, जो राजा महाराजा थे, जो वो कमांड देते थे वही लॉ बन जाता था। कुछ लोगों ने बोला लॉ कोई कमांड नहीं है, लॉ तो अपने आप भगवान ने बनाए हैं, राजा को भगवान ने भेजा है और राजा ने आगे लॉ बनाए हैं, और जो लॉ राजा बनाए वो भगवान का आदेश होता है, लॉ नेचर बनाता है, मतलब बोलने का। कुछ एक स्कॉलर्स ने बोल दिया लॉ ना तो नेचर बनाता है, भगवान बनाता है, ना तो कमांड होती है, लॉ सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल ने बोल दिया। तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने अपने डिफरेंट थॉट्स दिए और उन थॉट्स को डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में कैटेगराइज कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में डाल दिया गया। जिन लोगों ने पॉजिटिविज्म के ऊपर फोकस किया, जैसे हार्ट ने, जैसे कि हार्ट ने, जैसे कि आस्टिन ने, जैसा कि कैल्सन ने, इनको डाल दिया गया एनालिटिकल स्कूल में, पॉजिटिविस्ट स्कूल में, इम्पेरेटिव स्कूल में, नाम बहुत सारे स्कूल के। तो ये तीनों जो स्कॉलर्स थे, और भी काफ़ी स्कॉलर्स हैं बेसिकली, ये तीनों स्कॉलर्स जो है वो लोगों को पॉजिटिव लोग के रूप में देखते थे। हाउएवर कैल्सन ने नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बोला था, मैं बताऊंगा आपको प्योर थ्योरी में अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जनरली समझ लो इन तीनों ने एक जैसे थॉट दिए, एक जैसे विचार दिए और इनको हमने एक एनालिटिकल स्कूल में डाल दिया। वैसे ही हमारे सेविग्नी थे, हेनरी मेने थे, उन्होंने बोला लो तो कस्टम से बना है, अपने आप बन गया, लो किसने बनाया नहीं, ना तो सोवरन ने बनाया, ना राजा महाराजा ने बनाया, लो अपने आप ही बन गया, कस्टम से अपने आप ही बन गया, लो कुदरती अपने आप खुद बन गया। हेनरी मेने और सेविग्नी ने बोला, एक जैसे थॉट्स थे, उनको हिस्टोरिकल स्कूल में डाल दिया। उसके बाद हमारे रोस्को पाउंड, एहरलिक, हमारे मोंटेस्क्यू, जिन्होंने हमारे अगस्त कोमटे, जो कि सोशियोलॉजिकल स्कूल के स्कॉलर्स माने जाते हैं, जिन्होंने लॉ को सोसाइटी के साथ लिंक किया कि लॉ क्यों बना सोसाइटी के लिए, लॉ क्यों बना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो उनको सभी लोगों को हमने एक स्कूल में डाल दिया, सोशियोलॉजिकल स्कूल बना दिया। नेचर लॉ, नेचुरल लॉ में जिन्होंने ये बोला लोग खुद अपने आप डिवाइन लॉ है, भगवान ने लॉ को बनाया है, उन स्कॉलर्स को हमने एक में डाल दिया, स्टैमलर कोहलर जो इसमें थे वो इसमें आ गए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिन रियलिस्टिक अप्रोच, जो ये मानते हैं कि लॉ जो है वो जजेस बनाते हैं, लेजिस्लेचर लॉ बनाते ही नहीं, जजेस लॉ बनाते हैं, और इनकी जो अप्रोच थी उनको हमने अलग से डाल दिया, रियलिस्टिक स्कूल में डाल दिया। रियलिस्टिक स्कूल के जितने भी स्कॉलर थे वो ये मानते हैं लॉ जजेस बनाते हैं, लेजिस्लेचर बनाती नहीं है, जो जजमेंट देता है वही लॉ है, रियलिटी में लॉ वही बनाते हैं, जिन्हें सर्कमस्टांसेस देखे और जजमेंट दी लॉ बन गया। तो स्कूल्स ऑफ थॉट्स का मतलब ये होता है कि लॉ आया कहाँ से, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के थॉट। कुछ बोलते हैं लॉ हिस्ट्री से आया, कुछ बोलते हैं लॉ कमांड ऑफ सॉवरन है, कुछ बोलते हैं जजेस ने बनाया, कुछ बोलते हैं सोसाइटी ने बनाया। तो हम इन सभी स्कूल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपना एनालिटिकल स्कूल। आई होप आपको स्कूल्स के बारे में जर्नल से जो ओवरव्यू है वो समझ आ गया होगा। ये सारी आप इंट्रोडक्शन में बातें लिख सकते हो, पेपर में आपने लिखना है, अटैम्प्ट करना है, कोई बच्चा पेपर छोड़ के ना आए। अगर आपने पेपर में क्वेश्चन छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, चाहे आता है या नहीं आता है, जो जनरल आइडिया भी हो तो भी पेपर अटैम्प्ट करना है आपने। तो अब हम शुरू करेंगे एनालिटिकल स्कूल। इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन एक्सप्लेन, दूसरा एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑस्टिन इन द ज्यूरिसप्रूडेंस, तीसरा एक्सप्लेन द कमांड थ्योरी, चौथा जो इस एनालिटिकल स्कूल में से व्हाट इज प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैल्सन इन द थ्योरी ऑफ लॉ, या फिर
क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स गिवन बाय द हार्ट। तो तीन पर्सन है जो इस स्कूल के मेन पर्सन है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ऑस्टिन, हार्ट और साथ में कैल्सन। तो सबसे पहले ऑस्टिन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पहले बता दूं आपको मैं कि एनालिटिकल स्कूल को हम इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं, इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं इसको। एनालिटिकल स्कूल को हम पॉजिटिविस्ट स्कूल भी बोलते हैं। एनालिटिकल स्कूल को हम इम्पेरेटिव, एनालिटिकल एंड पॉजिटिविस्ट, यस ये हम इनको इस नाम से बोलते हैं। और मैं एनालिटिकल स्कूल के स्कॉलर्स की बात करूँ, इसके कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, ऑस्टिन इसका स्कॉलर है, होलैंड इसका स्कॉलर है, हार्ट इसका स्कॉलर है, कैल्सन इसका स्कॉलर है, इसके अलावा यस दिस ऑल आर बैंथम इसका स्कॉलर है। बैंथम तो सबसे पहला स्कॉलर है, बैंथम ने तो शुरुआत करी थी। बेशक ऑस्टिन को फादर माना जाता है जो स्टूडेंट्स का ये जो एनालिटिकल स्कूल का, लेकिन शुरुआत बैंथम ने करी थी। ऑस्टिन बैंथम के शिष्य थे, बैंथम गुरु थे, पर बैंथम ने इतना इलेबोरेट नहीं किया। ऑस्टिन ने बैंथम को क्रिटिसाइज कर करके बहुत इलेबोरेट कर दिया एनालिटिकल स्कूल में, तो ऑस्टिन का नाम ज़्यादा चलता है। वैसे बैंथम तो ऑस्टिन से पहले है, वो भी इसकी स्कॉलर है। तो अब ऑस्टिन का व्यू पढ़ना शुरू करते हैं, ऑस्टिन क्या बोलते हैं सबसे पहले। तो मैं आज सबसे पहले ऑस्टिन पढ़ूंगा, फिर कैल्सन पढ़ेंगे, फिर होट पढ़ेंगे। ये तीन ही आपके सिलेबस में है जो कि महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन में से ही बनेंगे। बैंथम को नहीं पढ़ेंगे, वैसे बता देता हूँ जो बैंथम थे उन्होंने एनालिटिकल स्कूल की नींव रखी थी। इन्होंने पेन एंड प्लेजर की थ्योरी दी, यूटिलिटेरियन की थ्योरी दी, और इन्होंने पॉजिटिविस्ट दैट इज लो एज इट इज़ का सबसे पहले शुरुआत करी। लेकिन बैंथम आपके सिलेबस में नहीं है, हम लोग शुरू करेंगे ऑस्टिन से। तो स्टूडेंट्स ऑस्टिन जो थे वो इंग्लिश जुरिस्ट थे, इंग्लिश जुरिस्ट थे, और ऑस्टिन को फादर ऑफ इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता है। ऑस्टिन का जो जन्म था वो 1790 को हुआ था, 1790 में ये बोर्न हुए थे। जन्म इनका जो हुआ था वो जिनका जन्म हुआ था 1790 में, उसके बाद ये अपनी स्कूलिंग करी इन्होंने, उसके बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में इन्होंने 5 साल तक काम किया, उसके बाद ग्रेजुएशन करी, फिर वो बार के मेंबर बन गए। लो ग्रेजुएट होने के बाद ये बार के मेंबर बन गए। इसके बाद ऑस्टिन ने यूनिवर्सिटीज़ में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया और ये लेक्चर देने लगे। लंदन यूनिवर्सिटी थी लंदन में, वहाँ पर इन्होंने 6 लेक्चर दिए थे जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, और 6 लेक्चर जो थे वो पब्लिश हुए थे। एक बुक का नाम है, मैं नाम बताता हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है बुक का, द प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये बुक पब्लिश हुई। इस बुक में इनके 6 लेक्चर्स दिए गए थे लंदन यूनिवर्सिटी में, उनको पब्लिश किया गया और ये काफ़ी फेमस बुक हुई। इसी बुक में इन्होंने लॉ के बारे में बताया, लॉ है क्या। तो मेन जो क्वेश्चन आएगा वो आपको ये आएगा कि ऑस्टिन का लॉ को लेकर व्यू क्या है, ये लॉ को क्या मानते हैं, वो उसी के ऊपर मैं आ रहा हूँ। फिलहाल आप समझ लीजिए ऑस्टिन क्या थे। ऑस्टिन एक इंग्लिश जुरिस्ट थे, इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस के इनको फादर बोला जाता है। ऑस्टिन को ही हम लोग जो है वो एनालिटिकल स्कूल का फादर भी बोल देते हैं। 1790 में बोर्न हुए, 5 साल आर्मी में इन्होंने सर्व किया, फिर इन्होंने बार के मेंबर बन गए, उसके बाद इन्होंने 6 लेक्चर्स दिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, और वो लेक्चर जो थे वो प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बुक में पब्लिश हुए। अब आता है मेनली ऑस्टिन कंसेप्ट ऑफ लॉ, कि लॉ के कंसेप्ट को कैसे इसने डिफाइन किया। जो मेन पेपर में क्वेश्चन आएगा मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ लॉ, ऑस्टिन्स
कंसेप्ट ऑफ लॉ। तो आस्टिन ने क्या बोला कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन विच इज बैक्ड बाई सैंक्शन। ध्यान सुनना, इसने क्या बोला, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन बैक्ड बाई सैंक्शंस इन केस वन डज नॉट फॉलो द कमांड। लॉ क्या है, एक सोवरन अथॉरिटी की कमांड है, कमांड जबरदस्ती कि भाई आप ये चीज फॉलो करो, वो लॉ है। और अगर फॉलो नहीं करोगे तो उसके बदले आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। आस्टिन ने बेसिकली क्या बोला, दो बातें बोली, पहली लॉ एक कमांड है सॉवरन की, और दूसरी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस कमांड पर्सन विल बी पनिश्ड विद सैंक्शंस। तो इसी के ऊपर इसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो घूमती है। आस्टिन का मानना है कि लॉ दो तरह का होता है, ध्यान से समझना, लॉ इज ऑफ टू टाइप्स। आस्टिन का मानना है लॉ दो तरह का होता है, एक होता है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, एंड एक लॉ होता है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। आस्टिन ने बोला लॉ दो तरह का होता है, एक प्रॉपरली सो कॉल्ड, एक तो लॉ वो जो प्रॉपरली हम लॉ उसको बोलेंगे, और एक वो जो इम्प्रॉपरली हम जिसको लॉ बोलते हैं तो वो लॉ होता नहीं। जैसा कि लॉ ऑफ फिजिक्स, जैसे लॉ ऑफ न्यूटन होते हैं, न्यूटन के तीन लॉज, उसके अलावा और भी फिजिक्स में बहुत से लॉज होते हैं, वो लॉज हम वर्ड यूज़ करते हैं पर वो लॉ है नहीं, वो प्रॉपरली लॉ नहीं है, वो इम्प्रॉपरली लॉ है, वो नाम का लॉ है, एक्चुअल में लॉ वो नहीं है। दूसरा होता है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, जिसको प्रॉपरली हम लॉ बोलते हैं वो लॉ है सच में। इसमें आता है पहला ह्यूमन लॉ और दूसरा आता है लॉ मेड बाई गॉड, लॉ मेड बाई गॉड। तो ह्यूमन लॉ में भी दो इसने पार्ट कर दिए, एक वो लॉ जो सोवरन बनाता है, एक वो लॉ जो सोवरन नहीं बनाता। इसमें एक कमांड ऑफ सोवरन आ जाएगी, एक वो जो कमांड ऑफ सोवरन नहीं होती। तो इसने, आस्टिन ने लॉ के कंसेप्ट को कैसे डिवाइड कर दिया, आप देखो, इसने बोला लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड होता है, इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड होता है, प्रॉपरली सो कॉल्ड ह्यूमन लॉ होता है, लॉ ऑफ गॉड होता है। ह्यूमन लॉ जो है वो एक, ह्यूमन लॉ भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है ह्यूमन लॉ हमारा लॉज मेड बाई पोलिटिकल सुपीरियर, एंड दूसरा लॉ नॉट मेड बाई पोलिटिकल सुपीरियर। एक तो वो जो किसी पोलिटिकल सुपीरियर ने इन्फीरियर के लिए बना दिया, दूसरा जो पोलिटिकल सुपीरियर ने नहीं बनाया पर बनाया ह्यूमन बींग ने। जैसे कोई मास्टर है वो सर्वेंट के लिए लॉ बना देते हैं सोसाइटी में, एक मास्टर ने अपने घर के लिए, अपने नौकर के लिए लॉ बना दिया, वो सुपीरियर पोलिटिकल सुपीरियर ने नहीं बनाया पर ह्यूमन बींग ने बनाया, तभी तो ह्यूमन लॉ में आ गए ये पार्ट। तो आस्टिन ने बोला इन सभी लॉज में से जो लॉ है एक्चुअल में वो लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन, वो ये वाला लॉ है जो लॉ सोवरन बनाता है और जिसको सभी को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज एक्चुअल लॉ। तो हमारे जो ऑस्टिन थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया, जिनके हिसाब से लॉ क्या है, लॉ सोवरन की कमांड है, जो सबसे बड़ा सोवरन है सोसाइटी में उसकी कमांड है, जिसको फॉलो करना पड़ता है, और अगर फॉलो ना करो तो हमें सजा मिलती है, फॉलो ना करो तो हमें सजा मिलती है। इस पॉइंट्स को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, इस पॉइंट को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो अब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। एक बार मुझे बता दीजिए थ्योरी का लगा पता आपको, ऑस्टिन की थ्योरी का, ऑस्टिन की थ्योरी का पता चल गया आप लोगों को? यस, दीपक सिंह गुड इवनिंग सर, मज़ा आ रहा है, थैंक्स, मोस्ट वेलकम मोनिका कटियाली, यस जी समझ आ रहा है। जो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आस्टिन का जो कंसेप्ट है वो पता चला, बस तीन बातें याद कर लेना पेपर में, लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन, कमांड ऑफ सोवरन दो, और तीसरा सैंक्शंस, कमांड सोवरन सैंक्शन, मतलब ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो लॉ बनेगा।
वैसे लो प्रॉपरली सो कॉल्ड होता है, इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड होता है, लो बाई गॉड होता है, लो बाई ह्यूमन बींग होता है, लो बाई पोलिटिकल स्पिरिट टू इन्फीरियर होता है, लो बाई ह्यूमन टू अदर ह्यूमन होता है, पर इन सभी लॉज में लॉज बड़ा वैसे यूज कर रहे हैं। मेनली लॉ क्या है, कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाई सेंक्शन, कि अगर आपने कमांड फॉलो नहीं की तो सेंक्शन होंगे, सजा मिलेगी आपको, वही लॉ है। लेकिन इस जो डेफिनेशन है लॉ की, इसको बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया। किस ग्राउंड में क्रिटिसाइज किया, सबसे पहला हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने इसको क्रिटिसाइज किया कस्टम इग्नोर के ग्राउंड पर। जो हमारे हिस्टोरिकल स्कूल वाले थे, सेविग्नी थे, हेनरी मेने थे, उन्होंने बोला कि भाई ऑस्टिन ने जो है लॉ की डेफिनेशन सही नहीं दी। लॉ की डेफिनेशन सही नहीं दी, उसने कस्टम को इग्नोर कर दिया। जो कस्टम है जो सोसाइटी में सदियों से चले आ रहे हैं, वो किसी की कमांड नहीं है, वो सोवरेन कमांड थोड़ी ना है, पर फिर भी कस्टम फॉलो होते हैं। किसी सोवरेन ने कस्टम बनाए थे? नो, लोगों ने बनाए हैं खुद कस्टम, पर फॉलो होते हैं। तो इन्होंने बोला कि ऑस्टिन ने कस्टम इग्नोर कर दी, इसकी डेफिनेशन को देखा जाएगा तो कस्टम तो लॉ बनेगी नहीं, तो डेफिनेशन इज रिजेक्टेड। सेकंड, जज मेड लॉ इग्नोर्ड। ऑस्टिन ने बोला कि सॉरी, क्रिटिसाइज जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि ऑस्टिन ने जजेस में जज लोग बनाते हैं, प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, जो जजमेंट्स देते हैं, उनको इग्नोर कर दिया। इसने बोला लॉ क्या है, कमांड ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर बैक्ड बाय सैंक्शंस। अब जजेस भी कोई अगर कमांड नहीं देते हैं, वो जजमेंट दे रहे हैं, तो वो भी लॉ ही तो है, पर ऑस्टिन ने नहीं माना। ऑस्टिन ने बोला लॉ बस वही है जो कमांड है, तो इस पॉइंट पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। तीसरा जो पॉइंट है वो है वोल्कजिस्ट इग्नोर्ड। जो वोल्कजिस्ट का कंसेप्ट था वो सेविग्नी ने दिया था बेसिकली हिस्टोरिकल स्कूल के। वोल्कजिस्ट का मतलब होता है विल ऑफ पीपल। तो सेविग्नी ने बोला कि लॉ जो बनाया जाता है वो लोगों की विल के अनुसार बनता है। वोल्क मीने पीपल, जिस्ट मीने विल, लोगों की इच्छा क्या है उससे लॉ बनता है, लोग क्या चाहते हैं उससे लॉ बनता है, सुपीरियर क्या चाहता है उससे लॉ नहीं बनता। तो जो बोल के जिस टाइप विल ऑफ पीपल है उसको ऑस्टिन ने इग्नोर कर दिया। तो ऑस्टिन ने कस्टम इग्नोर कर दिए, ऑस्टिन ने जजेस के जरिए बनाए जाने वाले लॉ को इग्नोर कर दिया, ऑस्टिन ने वर्क जिस्ट विल ऑफ पीपल को इग्नोर कर दिया। इसके अलावा ऑस्टिन ने इग्नोर क्या किया, लॉ कन्फरिंग द प्रिविलेजेस, लॉ कन्फरिंग द प्रिविलेजेस। समझने की कोशिश करना, देखो ऑस्टिन के हिसाब से लॉ जो है वो सुपीरियर है, कमांड है सुपीरियर की। कमांड देना मतलब किसी को जबरदस्ती कुछ फॉलो करने के लिए बोलना, पर हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लॉज हैं जो लोग खुद फॉलो करते हैं, जबरदस्ती फॉलो नहीं कराए जाते उनको। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि मेरे पास राइट टू इक्वलिटी है, तो राइट टू इक्वलिटी मेरा ब्रीच होगा, मैं खुद जाके कोर्ट में बोलूंगा मेरा राइट टू ब्रीच हुआ, इक्वलिटी ब्रीच हुआ। कोई मुझे सॉवरन नहीं बोलेगा भाई तेरा राइट टू इक्वलिटी ब्रीच हुआ तो कोर्ट में आ जा। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती फॉलो नहीं कराए जाते, जो लोगों को प्रिविलेजेस देते हैं, जो लॉज लोगों को प्रिविलेजेस देते हैं। हमारे ऑस्टिन ने उन लॉज को इग्नोर कर दिया अपनी डेफिनेशन में। इसने सिंपल सी बात बोली कि लॉ क्या है, कमांड है सोवरन की, लेकिन कमांड का मतलब इसका क्या था, जबरदस्ती वो लॉज फुलफिल करवाने लोगों से। पर बहुत से लॉ जो ऐसे हैं वो लोग खुद फुलफिल करते हैं, खुद मानते हैं, क्योंकि वो उनके बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। तो इस पॉइंट पर भी ऑस्टिन को क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद अगला पॉइंट था, ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर कर दिया। ही ट्रीटेड इंटरनेशनल लॉ एज इंटरनेशनल मोरालिटी। ऑस्टिन ने क्या किया, ऑस्टिन ने बोला कि जो इंटरनेशनल लॉ वर्ड यूज होता है इंटरनेशनल लॉ नहीं है, इंटरनेशनल लॉ एक्चुअली में इंटरनेशनल मोरालिटी है। तो जो ये वाला कंसेप्ट था कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये इंटरनेशनल मोरालिटी है, इस चीज़ को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया। लोगों ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है जिसको पूरी कंट्रीज फॉलो करती हैं, और आस्क ने जो बात बोली है कि लॉ नहीं है ये गलत है।
इसकी डेफिनेशन के अनुसार इंटरनेशनल लॉ नहीं है तो डेफिनेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो पांचवा ये क्रिटिसिज्म हो गया। छठा आप लिख सकते हो, सैंक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर ओबेइंग द लॉ, सैंक्शंस आर नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर ओबेइंग द लॉ। ऑस्टिन क्या बोलते थे, लॉ इज अ कमांड ऑफ सुपीरियर सोवरन फॉलोड बाय द इन्फीरियर एंड इफ इन्फीरियर डज नॉट फॉलो बैक्ड बाई सेंक्शन तो उसके ऊपर सेंक्शन लेंगे। नहीं, लोगों ने बोला कि सेंक्शन से ही आप लॉज को फुलफिल करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। सेंक्शन नहीं हो फिर भी लो लोग मानते हैं, फिर भी लोग को फॉलो करते हैं। बहुत से लॉज ऐसे होते हैं बिना किसी डर के लोग उनको फॉलो करते हैं, बिना किसी दबाव के लोग खुद उनको फॉलो करते हैं, लोग हैबिचुअली उनको फॉलो करने लग पड़ते हैं। तो इस ग्राउंड पर भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। आई होप आपको ऑस्टिन समझ आ गया होगा। ऑस्टिन ने बेसिकली क्या बोला, ऑस्टिन इंग्लिश जुरिस्ट थे, एनालिटिकल स्कूल के फादर बोला जाता है, इंग्लिश जो हमारे इंग्लिश जो जुरिसप्रूडेंस है उसके फादर माना जाता है। ऑस्टिन को 1790 में जन्म हुआ था, आर्मी में 5 साल सर्व किया, बार के मेंबर बने, लंदन में लेक्चर दिए 6 लेक्चर्स, फिर उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था प्रोविंसेस ऑफ जुरिसप्रूडेंस डिटरमाइंड। उनमें उन्होंने लॉ के बारे में बताया, और जो लॉ के बारे में बताया वो मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन क्या थी, कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सुपीरियर फॉलोड बाय द सैंक्शंस एंड इन केस पर्सन डज नॉट फॉलो द लॉ विल बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट। लेकिन जो डेफिनेशन है ऑस्टिन की, इस डेफिनेशन में 3 पॉइंट मेनली यूज किए इसने, पहला कमांड, दूसरा सोवरन, तीसरा सैंक्शन। पर इन पॉइंट्स पे इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लोगों ने बोला कि इसने कस्टम इग्नोर कर दिए, हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने बोला इसने बोल के जस्ट विल ऑफ पीपल, लोगों की इच्छा क्या है उसको इग्नोर कर दिया, इसने जज मेड लॉ इग्नोर कर दिए, जो लॉ लोगों को राइट्स देते हैं उनको इग्नोर कर दिया। इसकी जो डेफिनेशन है बस क्रिमिनल लॉ के लिए यूजफुल है, ये भी आप ले सकते हो। लोगों ने बोला, क्रिटिक्स ने बोला कि इसकी जो डेफिनेशन है वो बस क्रिमिनल लॉ के लिए यूजफुल है। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, हम पनिशमेंट जबरदस्ती डालते हैं किसी के ऊपर, जबरदस्ती बोलते हैं इन चीज़ों को फॉलो करो, कोई किसी का रेप नहीं करेगा, मर्डर नहीं करेगा, हम जबरदस्ती इम्पोज करते हैं, बस वहीं पर ये डेफिनेशन फुलफिल है, बाकी कहीं डेफिनेशन यूजफुल नहीं है। अब अगला जो स्कॉलर्स आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे कैल्सन। कैल्सन जो थे वो हमारे ऑस्ट्रिया के थे, ऑस्ट्रिया वियना, और इसके जो इसने थोड़ दिया जो हम इसमें पढ़ेंगे इसको हम वियना स्कूल भी बोल देते हैं। कभी पेपर में अगर आ जाएगा डिस्कस द वियना स्कूल तो समझ लेना कि हमने कैल्सन के बारे में लिखना है। डिस्कस द नॉर्मेटिव स्कूल, कभी कभी इसको नॉर्मेटिव स्कूल भी बोल देते हैं, नॉर्मेटिव स्कूल, तो समझ लेना ऑस्टिन के बारे में लिखना है। समझ लेना कैल्सन के बारे में लिखना है। कैल्सन को ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, इनका जन्म 1881 में हुआ था, इनका जन्म 1881 में हुआ था, और ऑस्ट्रिया वियना में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे और ये प्रोफेसर बने वहीं पे। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। तो पेपर में आपको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, वियना स्कूल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मेटिव स्कूल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, आंसर लिखा जाएगा कैल्सन का जो मैं बताने लगा हूँ। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी इन्होंने, ध्यान समझना, जो कैल्सन थे इन्होंने ऑस्टिन को, सोशियोलॉजिकल स्कूल को, बाकी जितने भी स्कूल हैं उन सभी को इग्नोर किया, इन्होंने अपना एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया, इन्होंने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया। प्योर थ्योरी मतलब इन्होंने लॉ की एक ऐसी डेफिनेशन दी, थ्योरी दी, जिसमें लॉ को प्योरली बताया कि लॉ जो है वो प्योर एक सब्जेक्ट है, डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेज। इन्होंने क्या बोला कि आपने जुरिसप्रूडेंस की, लॉ की स्कोप को बढ़ाना नहीं है, बाकी साइंसेज से टच कर, बाकी साइंसेज से मिलाकर। अर्थात कैल्सन ने क्या बोला कि लॉ जो है वो सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, मोरालिटी, इन सभी चीज़ों से डिफरेंट है। क्या बोला कैल्सन ने, कैल्सन ने बोला कि लॉ जो है वो प्योर है,
लो जो है उसके स्कोप को हम बड़ा लार्ज नहीं कर सकते ये बोलकर कि लो का मतलब मोरालिटी भी है, लो में एथिक्स भी आते हैं, लो में रिलीजन भी आता है. नो, इसने बोला लो में कस्टम नहीं आते, कोई लो में रिलीजन नहीं आता, लो का मतलब कोई ट्रेडिशन से नहीं होता, लो का मतलब लो होता है, लो का मतलब लो होता है. इसने एक प्योर थ्योरी ऑफ लो दी जिसमें प्योरली इसने क्या बताया लो के बारे में कि लो इज सेपरेट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस. क्या बोला इसने, लो इज सेपरेट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस. लो जो है वो सेपरेट है अदर सोशल साइंसेस से. इसने लो की स्कोप को बहुत बड़ा नहीं बताया, नॉर्मल स्कोप बताई और कहा कि लो बिल्कुल प्योर है, अलग सब्जेक्ट है, इसका बाकी सब्जेक्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है. कैल्सन की बात करो, मैं कैल्सन ने यह बताया. तो कैल्सन ने क्या किया, कैल्सन ने बात करी नॉर्मेटिव साइंस की. इसने बोला कि जो ज्यूरिसप्रूडेंस है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है. पॉजिटिव साइंस नहीं बोला, नॉर्मेटिव साइंस. नॉर्मेटिव साइंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी साइंस जो आउट टू पर फोकस करती हो. आउट टू मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए. आस्टिन बोलते थे लो एज इट इज, जैसा लो है वैसा पढ़ना है. पर हमारे जो कैल्सन थे इन्होंने आस्टिन की बात को माना, जैसा लो है वैसा पढ़ना है. हमें लो को आइडियलिस्टिक अप्रोच में नहीं मानना है, लो कैसा होना चाहिए वो उस पर नहीं जाना है. लेकिन हाँ, अगर कोई पर्सन किसी लो को ब्रीच करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए. इस सेंस में उन्होंने आउट टू प्रेपोजिशन दी. इन्होंने बोला इफ वन कमिट्स अ क्राइम ही आउट टू बी पनिश्ड, उसको पनिशमेंट होगी. मस्ट, आउट टू का मतलब यहाँ पे मस्ट था. इफ वन कमिट्स मर्डर ही आउट टू बी पनिश्ड. तो कैल्सन ने, ध्यान से बात समझना, कैल्सन ने ज्यूरिसप्रूडेंस को नॉर्मेटिव साइंस के रूप में देखा. कैल्सन ने ज्यूरिसप्रूडेंस को नॉर्मेटिव साइंस के रूप में देखा. सबसे पहले पॉइंट आप लिख दोगे, जो आप ये सारे कैल्सन की थ्योरी में पॉइंट्स बनाओगे उनको एक्सप्लेन करोगे, पहला पॉइंट आप लिख दोगे अकॉर्डिंग टू कैल्सन लॉ इज सेपरेट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस. दूसरा, लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस, दैट इज डील्स विद द व्हाट इज, व्हाट आउट टू बी प्रपोजिशंस एंड नॉट व्हाट इज. द मेन पर्पज ऑफ दिस नॉर्मेटिव साइंस इज टू डिस्कस व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए. तो कैल्सन ये मानते थे अगर एक बंदे ने मर्डर कर दिया, इफ वन कमिट्स द मर्डर ही आउट टू बी पनिश्ड, इफ वन कमिट्स द रेप ही आउट टू बी पनिश्ड. तो आउट टू के ऊपर से फोकस किया, इसलिए इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मेटिव स्टडी. तीसरा, आप इसमें मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ, मेन पॉइंट्स पे. तीसरा इसने पॉइंट कंसेप्ट दिया ग्रैंड नॉर्म का. तीसरा इसने कंसेप्ट दिया ग्रैंड नॉर्म का. पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा ग्रैंड नॉर्म क्या होता है, डिस्कस अबाउट द ग्रैंड नॉर्म. तो ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के ऊपर ही आएगा, ठीक है. तो इसने कैल्सन ने बताया ग्रैंड नॉर्म के बारे में. इसने क्या बताया, इसने बताया कि हर एक सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जो लोगों को मानने पड़ते हैं. लेकिन वो नॉर्म्स सही हैं या नहीं सही हैं, गलत हैं या ठीक है, वो पता कहाँ से चलता है, ग्रैंड नॉर्म से. ग्रैंड नॉर्म कौन होता है, सबसे बड़ा नॉर्म सोसाइटी में, सबसे बड़ा नॉर्म, सबसे सुप्रीम नॉर्म. तो जितने भी नॉर्म्स होते हैं बाकी नॉर्म्स, वो उस बड़े वाले सुप्रीम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए. अगर वो नॉर्म्स ग्रैंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो नॉर्म्स वैलिड नहीं होंगे. ग्रैंड नॉर्म का मतलब क्या था, सुप्रीम नॉर्म. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इंडिया में मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसके अलावा इंडिया में CRPC भी है, इंडिया में CPC भी है, IPC भी है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है, बहुत सारे एक्ट्स हैं. तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि जितने भी ये नॉर्म्स हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो नहीं कर सकते, अगर वायलेशन करेंगे तो जुडिशरी इन नॉर्म्स को ख़त्म कर देगी. जैसे जुडिशरी ने 497 अडल्ट्री ख़त्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थी. 377 अननेचुरल ऑफेंसेस को ख़त्म कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था. IPC में
3 जो कि मिट्ठू सिंह वाले केस में ख़त्म हुआ था, आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूँ तो उसको ख़त्म किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ये नॉर्म्स नहीं हो सकते। तो वैसे कैल्सन ने बोला, हर एक सोसाइटी में, हर एक लीगल सिस्टम में एक ग्रैंड नॉर्म होता है, दैट इज़ द सुपीरियर नॉर्म, सुप्रीम नॉर्म, एंड एवरी इन्फीरियर नॉर्म्स मस्ट बी इनकंसिस्टेंट विद द ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म के कंसिस्टेंट होने चाहिए, नॉट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने चाहिए, नॉट इनकंसिस्टेंट। ये हमारा ग्रैंड नॉर्म का कंसेप्ट किसने दिया? आस्टिन ने दिया। तो आस्टिन ने एक पैरामिड ऑफ नॉर्म बनाया, पैरामिड ऑफ नॉर्म, जिसमें सबसे ऊपर ग्रैंड नॉर्म को रखा, बाकी नीचे बहुत सारे नॉर्म्स को रख दिया, और बोला इन नॉर्म्स में, इस हायरार्की ऑफ नॉर्म्स में क्या होता है, हर एक नॉर्म जो है वो अपने सुपीरियर नॉर्म से अथॉरिटी लेता है अपने आप को वैलिड बनाने की। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो, दोनों बातें समझने की कोशिश करना, आपको समझ आएंगी। इन्होंने बोला कि हर एक जो अथॉरिटी है वो अपने ऊपर अथॉरिटी से पावर लेता है वैलिड काम करने की, और जो लास्ट अथॉरिटी है उसके भी ऊपर एक अथॉरिटी होगी, वो होगा ग्रैंड नॉर्म, और उससे वो अथॉरिटी पावर लेगी। अर्थात मान लो इंडिया में क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेता है हमारा लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर लोग बनाने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है, तो ये एक नॉर्म लेजिस्लेचर बना सकती है। मान लो लेजिस्लेचर ने कोई डेलीगेशन कर दिया पावर का, अपनी पावर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे दी, और उसने लॉ बनाया, मान लो नीचे डीसी साहब ने लॉ बना दिया, तो उसका लॉ वैलिड होगा? जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने अपने ऊपर वाले लेजिस्लेचर से पावर ली और लेजिस्लेचर ने कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ली। तो बोलने का मतलब है, कैल्सन ये बोलती हैं कि एक पैरामिड होता है नॉर्म्स का, जिसमें हर एक नॉर्म्स जो है वो अपने सुपीरियर नॉर्म से पावर लेता है, और फाइनल जो नॉर्म होता है वो होता है हमारा ग्रैंड नॉर्म। आई होप आपको एक पॉइंट समझ आ गया होगा, ग्रैंड नॉर्म के ऊपर जो मेन पॉइंट है। इसके बाद अभी मैं आपको लमसम सा बताता हूँ इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो हमें कैल्सन की थ्योरी पढ़ के मैं ये लग गया पता कि कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दी। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का मतलब क्या है? इसने एक ऐसी थ्योरी दी जिसके अनुसार लॉ जो है वो बाकी सभी सोशल साइंसेस से अलग है। इसने लॉ को बाकी सोशल साइंसेस के साथ नहीं पढ़ा, इसने लॉ को बाकी सोशल साइंसेस से डिफरेंट पढ़ा। इसने कहा लॉ अलग है, बाकी सोशल साइंसेस अलग हैं, इनको हम मिक्स नहीं कर सकते। कैल्सन ने बोला कि लॉ एक नॉर्मेटिव साइंस है जो आउट टू से डील करती है। इफ वन कमिट्स मर्डर ही आउट टू पनिश, इफ वन कमिट थेफ्ट ही आउट टू पनिश। आउट टू पनिश मतलब लॉ में अगर एक बंदा कुछ काम करता है तो उसको उसके बदले रिएक्शन झेलना पड़ेगा। ये हमारे कैल्सन ने बोला। फिर कैल्सन ने बात करी हमारी बेसिकली ग्रैंड नॉर्म की। इसने बोला कि सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं उनकी प्रॉपर हायरार्की है, जिसमें हर एक जो नॉर्म है वो अपने सुपीरियर वाले से अथॉरिटी लेता है। तो कंट्री में सबसे ऊपर ग्रैंड नॉर्म होगा, उसके नीचे बाकी नॉर्म्स होंगे जो मैंने आपको बता दिया। इस कंटेक्स्ट को इंडिया के साथ भी कंपेयर कर दिया, इंडिया में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से सभी नॉर्म्स अपनी पावर लेंगे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं तो वो नॉर्म्स खत्म हो जाएंगे। तो ये सारा कंसेप्ट किसने दिया? कैल्सन ने। अब कैल्सन ने क्या बोला? पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ आर नॉट डिफरेंट। इसने ये बात बोली। इसके बाद पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ आर नॉट डिफरेंट, क्योंकि दोनों जो लॉज हैं वो अपनी जो पावर है वो ग्रैंड नॉर्म से लेंगे। मेन तो ग्रैंड नॉर्म ही है, पब्लिक लॉ भी ग्रैंड नॉर्म से पावर ले रहा है और प्राइवेट लॉ भी ग्रैंड नॉर्म से पावर ले रहा है, सुपीरियर नॉर्म से पावर ले रहा है। तो चाहे पब्लिक लॉ है चाहे प्राइवेट लॉ है, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। इसने कैल्सन ने ऐसा बोला। कैल्सन ने बोला स्टेट एंड लॉ दोनों अलग अलग नहीं है, स्टेट लॉ दोनों सेम है। स्टेट के लॉ बनता है, लॉ स्टेट के लिए बनाया जाता है। दोनों ही अपनी पावर कहाँ से लेते हैं? ग्रैंड नॉर्म से। स्टेट अपना, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई काम करेगी ग्रैंड नॉर्म के हिसाब से करेगी, जो लॉ बनते हैं वो ग्रैंड नॉर्म के हिसाब से बनते हैं। तो बोथ आर सेम, बोथ आर नॉट डिफरेंट। इसके अलावा इसने बोला कि नो डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल पर्सन एंड जुरिस्टिक पर्सन। देखो बच्चों, पर्सन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल पर्सन होते हैं जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग,
दूसरा जुरिस्टिक पर्सन जिसको लो पर्सन मानते हैं वो पर्सन होता नहीं जैसे कंपनीज। तो ऑस्टिन ने बोला, सॉरी कैल्सन ने बोला कि चाहे नेचुरल पर्सन है जुरिस्टिक पर्सन है दोनों को अपनी पावर ग्रैंड नॉर्म से लेनी पड़ेगी, इससे दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसलिए कुछ ही पॉइंट्स बताए, पब्लिक लॉ प्राइवेट लॉ सेम है, स्टेट एंड लॉ सेम है, नेचुरल लॉ जुरिस्टिक पर्सन नेचुरल पर्सन दोनों सेम है। अब लास्ट में इसको इसकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, हिज थ्योरी वॉज क्रिटिसाइज बाय द सम पीपल, इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। सबसे पहले अब क्रिटिसिज्म बोल रहा हूँ मैं आपको, इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। पहले इसने क्या क्रिटिसाइज किया गया इस थ्योरी को, कि जो कंसेप्ट ऑफ ग्रैंड नॉर्म है वो वेग है, वेग मतलब धुंधला, कंसेप्ट ऑफ ग्रैंड नॉर्म इज वेग, पता नहीं चल रहा ग्रैंड नॉर्म क्या है। इंडिया के कंस्ट्रक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि प्रीएम्बल में लिखा गया पीपल ऑफ कंट्री आर सुप्रीम वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल ऑफ कंट्री सुप्रीम है, तो सुप्रीम कौन है, कौन ग्रैंड नॉर्म होगा, किसको ग्रैंड नॉर्म माना जाएगा, क्लियर नहीं है, बड़ा धुंधला कंसेप्ट है ग्रैंड नॉर्म का। लोगों ने बोला कि इसने कस्टम इग्नोर कर दिए, इसने कैसे ने कस्टम को फॉलो ही नहीं किया, कस्टम के ऊपर कुछ बोला ही नहीं, कस्टम भी लो होता है, इसने बोला लो को कस्टम से अलग कर दो, मोरालिटी से अलग कर दो, एथिक्स से अलग कर दो, ये कुछ लो नहीं है, लो अलग है इनसे सेपरेट है, पर ऐसा नहीं है, कस्टम हमारा लो है। तो हिस्टोरिकल स्कूल वालों ने ये बोला कि कैसे ने गलती करी, इसने कस्टम के साथ लो को आपस में रिलेशन नहीं बताया बल्कि सेपरेट कर दिया। तीसरा, लो जो है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले हैं वो बोलते हैं कि लॉ जो है वो सोसाइटी से अलग नहीं हो सकता। कैल्सन ने क्या बोला कि लॉ अलग है, सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी सारे अलग है, ट्रेडिशन, मोरालिटी, एथिक्स अलग हैं, पर सोशियोलॉजिकल स्कूल वालों ने बोला लॉ तो सोसाइटी के लिए बनता है, सोशियोलॉजी एंड लॉ को आपस में अलग नहीं कर सकते, सोशियोलॉजी जो साइंस ऑफ सोसाइटी है और लॉ जो कि रूल्स रेगुलेशंस है ये आपस में लिंक्ड है, इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे चलते हैं, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इस पॉइंट पर भी इसको क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट था, फोर्थ जो क्रिटिसिज्म था वो था हमारा नेचुरल लॉ को इग्नोर किया गया, नेचुरल लॉ इग्नोर्ड। ऑस्टिन ने क्या किया, नेचुरल लॉ को, सॉरी कैल्सन ने क्या किया, नेचुरल लॉ को इग्नोर कर दिया। इसने क्या बोला कि लॉ जो है वो बेस्ट, इसने सुपीरियर कमांड ऑफ कमांड को नहीं माना था, पर इसने माना था कि लॉ जो है वो ग्रैंड नॉर्म से निकलता है, एक सुप्रीम लॉ है उससे ही लॉ निकलता है, लेकिन इसने नेचुरल लॉ को इग्नोर कर दिया। इसने बोला नेचुरल लॉ कुछ नहीं होता, हमारी मोरालिटी कुछ नहीं है, हमारे कस्टम नेचुरली बनते हैं कुछ नहीं है, हमारे ट्रेडिशन नेचुरली बनते हैं वो कुछ नहीं है, लॉ क्या है, बस ग्रैंड नॉर्म। तो इस ग्राउंड पर भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा कि इस कैल्सियम कैसे क्रिटिसाइज किया गया, ग्रैंड नॉर्म कंसेप्ट वेग है, कस्टम इसने इग्नोर किए, सोसाइटी को इसने लोगों से अलग कर दिया, सोशियोलॉजी को अलग कर दिया लोगों से, नेचुरल लोग उसने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ तक अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलें, फिर प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए यहाँ तक क्लियर आपको, फिर हम आगे चलते हैं, मैं तब तक साफ़ कर देता हूँ उसको। प्लीज़ लेट मी नाउ, क्लियर है आपको इतना, एक बार रिप्लाई कर दें ताकि हम फिर आगे चलें। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को, आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा, अगर समझ ना आए तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी मनीष, प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। हाँ जी सर, राकेश भाटिया, ओके जी मनीष, यू प्लीज़ टाइप द क्वेश्चन। मॉडल्स से पढ़ने पर बहुत हार्ड लग रही है, अब आसान लग रही है, मॉडल से पढ़ने पर। वामन सैनी जी, कैन वी सी दिस वीडियो अगेन आफ्टर, यस यस मनीष डेफिनेटली, आई विल अपलोड, डोंट वरी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा,
मैं बताऊँ ये स्पेशल जो सेशन कंडक्ट किया गया है वो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के कारण मैंने कंडक्ट किया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मेरा फ़ायदा क्या है यहाँ गर्मी में लेक्चर देने का, तो इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है सो दैट कि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर सकूँ। आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच मनीष कुमार, थैंक यू सो मच। ओके मैं प्रज्यूम करूँगा आपको समझ आ रहा है क्योंकि रिप्लाई आया नहीं मुझे, तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने एनालिटिकल स्कूल में आस्टिन के बारे में पढ़ लिया, सिंपल सा है आस्टिन का कंसेप्ट, कोई टफ नहीं है। मेन पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखने हैं, बाकी जो मर्जी लिखो, फिलोसफी अपनी लिख कर आ सकते हो आप। दूसरा हमने कैल्सन के बारे में पढ़ लिया, आस्टिन ने कमांड ऑफ सॉवरन बोला, कैल्सन ने नॉर्म्स के बारे में बताया, ग्रैंड नॉर्म्स के बारे में, इन्फीरियर नॉर्म्स के बारे में, और क्रिटिसिज्म हुआ इनका। अब तीसरा जो एनालिटिकल स्कूल में है वो है हार्ट। हार्ट ने बात करी रूल्स की, इसने बोला लॉ इज नथिंग बट लॉ इज द सेट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, लॉ इज द सेट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। समझने की कोशिश करना क्या बोला हार्ट ने, प्रोफेसर हार्ट ने हमारे बोला कि लॉ क्या है, लॉ ना तो कमांड है, लो ना तो नॉर्म्स है, लो क्या है, लो रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। कौन से रूल्स, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। इसने प्राइमरी रूल्स को बोला, प्राइमरी रूल्स आर दोज रूल्स विच आर ड्यूटी बाइंडिंग रूल, विच आर ड्यूटी बाइंडिंग रूल्स। इसके हिसाब से प्राइमरी रूल्स वो रूल्स हैं जो हमारे ऊपर ड्यूटी इम्पोज करते हैं, हमें राइट्स देते हैं, राइट्स गिविंग रूल, राइट्स गिविंग रूल। प्राइमरी रूल वो हैं जो हमें राइट्स देते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, ये सभी हमारे ऊपर ड्यूटीज भी इम्पोज करते हैं, हमने किसी का मर्डर नहीं करना है, किसी का क्राइम नहीं करना है, और ये सभी हमें क्या देते हैं, राइट्स भी देते हैं। हमारा कोई मर्डर करेगा हम कोर्ट में जाएंगे, हमारे घर वाले हमें, हमारे घर में कोई चोरी करेगा हम कोर्ट में जाएंगे, ये जो है हमारे वो रूल्स जो हैं सीआरपीसी में दिए हुए हैं, सीपीसी में दिए हुए हैं, आईपीसी में दिए हुए हैं, हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं, जितने भी रूल्स हैं वो क्या हैं, वो है हमारे प्राइमरी रूल्स। तो प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं, प्राइमरी रूल्स हार्ट के हिसाब से वो रूल्स हैं जो ड्यूटी बाइंडिंग रूल हैं, पर्सन के ऊपर ड्यूटी इम्पोज करते हैं, पर्सन को राइट्स देते हैं, जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, हिंदू मैरिज एक्ट। और इसने बोला दूसरा जो सेकेंडरी रूल्स हैं वो रूल्स हैं जो प्राइमरी रूल्स में डिफेक्ट को दूर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यूज्ड फॉर रिमूविंग डिफेक्ट इन प्राइमरी रूल्स। समझने की कोशिश करना बच्चों, हार्ट ने क्या बोला, हार्ट ने बोला कि लॉ इज नथिंग, नेदर कमांड नोर नॉर्म्स। कैल्सन ने नॉर्म्स बोले, आस्टिन ने कमांड बोली, इसने दोनों को इग्नोर कर दिया। इसने बोला लॉ क्या है, लॉ एक सेट है, इट इज सेट ऑफ रूल्स, रूल्स मेन वर्ड है, इट इज सेट ऑफ रूल्स विच कंसिस्ट प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स मीन्स दोज रूल्स विच आर ड्यूटी बाइंडिंग रूल, राइट गिविंग रूल, सच एज सीपीसी, सीआरपीसी, इसमें जो रूल्स हैं वो हमें ड्यूटीज देते हैं, राइट्स देते हैं हमें, तो ये हमारे प्राइमरी रूल्स हैं। और सेकेंडरी रूल्स आर दोज रूल्स विच आर यूजिंग फॉर रिमूविंग द डिफेक्ट इन प्राइमरी रूल्स। अब मान लो प्राइमरी रूल्स हैं सीपीसी, सीआरपीसी में, उन रूल्स में कोई डिफेक्ट आ गया, मान लो वो कॉन्स्टिट्यूट अगेंस्ट हो गए, उनमें कोई डिफेक्ट आ गया, तो हम उनको चेंज कैसे करेंगे, हमें उन्हें चेंज करना पड़ेगा, तो वो डिफेक्ट्स कैसे रिमूव होंगे, सेकेंडरी रूल से। तो सेकेंडरी रूल्स को कौन होते हैं बेसिकली, सेकेंडरी रूल्स बेसिकली तीन होते हैं, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, दूसरा रूल ऑफ चेंज, तीसरा रूल ऑफ एडजुडिकेशन। सेकेंडरी रूल तीन रूल्स होते हैं, अगर प्राइमरी रूल्स में डिफेक्ट आए तो उनके दूर कैसे करेंगे, सेकेंडरी रूल्स। तो हार्ट ने ये बोला था कि लो जो है वो सेट ऑफ रूल्स है, कुछ रूल्स प्राइमरी होते हैं, कुछ रूल्स सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी रूल्स वो होते हैं जो हमें राइट्स देते हैं, हमें ड्यूटीज देते हैं, हमें लिबर्टीज देते हैं,
और सेकेंडरी रूल्स कौन होते हैं? सेकेंडरी रूल्स वो होते हैं जो प्राइमरी रूल्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्राइमरी रूल्स को चेंज करने में हेल्प करते हैं। मान लो कि प्राइमरी रूल है वो गलत रूल बना है तो उसको फिर चेंज कर देंगे रूल ऑफ चेंज का यूज़ करके। सेकेंडरी रूल का यूज़ होता है प्राइमरी रूल्स को ठीक करने के लिए, अगर इनमें कोई डिफेक्ट आ गया तो ठीक कैसे होंगे सेकेंडरी रूल्स। तो यही कंसेप्ट था हार्ट का। क्वेश्चन आएगा आपको डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ हार्ट, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो हमारा एनालिटिकल स्कूल खत्म हो जाता है। आई होप आपको एनालिटिकल स्कूल सारा समझ आ गया होगा। अब शुरू करते हैं हम आगे हिस्टोरिकल स्कूल। तो अगर अब मैं हिस्टोरिकल स्कूल की बात करूं तो ये दूसरा स्कूल है जो कि ज्यूरिसप्रूडेंस के बड़ा फेमस स्कूल है और लो के बारे में बताता है, लो आया कहाँ से। एनालिटिकल स्कूल में तो बेसिकली बात की गई थी कमांड की, नॉर्म्स की, रूल्स की। अब हिस्टोरिकल स्कूल में बात की जाएगी कस्टम की, ट्रेडिशन की। लो कहाँ से आया? कस्टम से आया। लो कहाँ से आया? लोगों की इच्छा से आया। लो कहाँ से आया? ट्रेडिशन से आया। लो कहाँ से आया? प्रोग्रेसिव सोसाइटी से आया। जैसे सोसाइटी ने प्रोग्रेस की, लो अपने आप आ गया। तो अब हम ये पढ़ेंगे। तो इसमें दो मेन नाम है, एक सेविग्नी और एक हेनरी मेने। क्वेश्चन कैसे बनता है? सेविग्नी में से बन जाएगा वोल्केजिस्ट, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वोल्केजिस्ट गिवन बाय सेविग्नी, या डिस्कस द सेविग्नीज रोल इन द हिस्टोरिकल स्कूल। और हेनरी मेने में से क्या क्वेश्चन बनेगा आपका, कि द प्रोग्रेसिव सोसाइटी इज अ रिएक्शन ऑफ, सॉरी दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट है कि फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, मेनली जो स्टेटमेंट है वो फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट उसको डिस्कस कर दीजिए, या फिर डिस्कस द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू हेनरी मेने। तीन चार क्वेश्चंस बनते हैं, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अगर मैं हिस्टोरिकल स्कूल की बात करूं मेरे दोस्तों, तो हिस्टोरिकल स्कूल बेसिकली ये बताता है हमें कि लॉ को बनाया नहीं जाता। ये क्या बताता है? लॉ कैन नॉट बी मेड। लॉ को बनाया नहीं जा सकता। ना लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, ना जजेस लॉ बना सकते हैं, ना कमांड ऑफ सॉवरन से लॉ बनता है। लॉ बनाया नहीं जाता, लॉ ढूंढा जाता है। लॉ इज फाउंड। लॉ सोसाइटी में होता है, वो ढूंढा जाता है। लॉ बनाया नहीं जाता, लॉ फाउंड किया जाता है। एनालिटिकल स्कूल बोलता था लॉ बनाया जाता है सॉवरन की कमांड से। हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है लॉ ढूंढा जाता है सोसाइटी में, फाउंड किया जाता है, बनाया नहीं जाता। लॉ बनाया नहीं जाता। हिस्टोरिकल स्कूल के अनुसार क्या है? लॉ तो इज वेरी ओल्ड। लो हमारा बहुत ओल्ड कंसेप्ट है और ये स्टेट से पहले आ गया है। लो इज एंटीसीडेंट टू द स्टेट। स्टेट तो अब बने, सोसाइटी तो अब बनी, लो तो सोसाइटी लोगों ने बनाई, उससे बनने से पहले लो बन गए थे। हिस्टोरिकल स्कूल के थॉट्स बता रहा हूँ, क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल स्कूल, लो बनाया नहीं जाता, लो ढूंढा जाता है। लो जो है वो सोसाइटी बनने से पहले ही बन गए थे, सोसाइटी आज बनी। लो तो सोसाइटी तो आज आई एग्जिस्टेंस में, लोगों ने आपस मिलकर सोसाइटी बनाई। लो लोगों के एग्जिस्टेंस में आकर सोसाइटी बनाने से पहले ही बन गए थे। ये कौन बोलता है? ये हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है, ये हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है। तो हिस्टोरिकल स्कूल और एनालिटिकल स्कूल में डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। एनालिटिकल स्कूल बोलता है लो बनाया जाता है कमांड ऑफ सॉवरन से। हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है लो बना हुआ होता है सोसाइटी में, बस उसे ढूंढा जाता है। एनालिटिकल स्कूल बोलता है पहले सोसाइटी आती है, फिर राजा आता है, फिर वो कमांड देता है, फिर लो बनता है। हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है लो पहले से सोसाइटी में होता है, कस्टम पहले से होते हैं, वही लॉज होते हैं और सोसाइटी बाद में बनती है। अब शुरू करेंगे सेविग्नी का रोल। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन थी हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में, अब शुरू करेंगे सेविग्नी का रोल। सेविग्नी जो जर्मनी के स्कॉलर थे उनके बारे में पहले सेविग्नी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हेनरी मेने के बारे में पढ़ेंगे। सेविग्नी 1779 को बॉर्न हुए जर्मनी में।
तो स्टूडेंट्स जो सेविगिनी थे वो जर्मनी के स्कॉलर थे, 1779 में बोर्न हुए, जर्मनी में ही इन्होंने अपनी एजुकेशन करी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी लॉ के पॉइंट्स के ऊपर काम किया, जैसे पोजेशन के ऊपर। नेचुरल लॉ थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अपनी थ्योरी दी सेविगिनी, अपने कंसेप्ट दिया। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सेविगिनी ने क्या किया, नेचुरल लॉ थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। नेचुरल लॉ थ्योरी क्या बोलती थी कि लॉ अपने आप नेचुरली बन जाता है, भगवान ने बनाया है, डिवाइन ने बनाया है। लॉ जो है जैसे सभी को पानी पीने का राइट होना चाहिए, सभी को जो है वो पानी मिलना चाहिए, जो हमें हवा मिल रही है सभी नेचर ने दिया है, तो ये हवा मिलना भी हमारा राइट है। मतलब नेचर की तरफ जा फोकस किया, नेचुरली अपने आप लॉ बन गया, नेचुरल थ्योरी ये बोलती है। लेकिन सेविगिनी ये मानते थे कि लॉ नेचुरली खुद नहीं बना, लॉ सोसाइटी में लोगों ने अपने कस्टम से बनाया, कुछ लोग मिलकर कुछ कस्टम फॉलो करने लगे, वो कस्टम ही लॉ बन गया। इन्होंने क्या बोला, लॉ जो है वो लोगों ने बनाया, पीपल। लॉ कैसे बना, लोगों के कस्टम से बना। लॉ कैसे बना, लोगों के ट्रेडिशन से बना। सेविगिनी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। सेविगिनी 1779 में बोर्न हो गए, बस एक समय याद कर लो 1779 जो जब वो बोर्न हुए थे, बाकी इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं होती पेपर में। और इन्होंने काफ़ी काम किए, पोजेशन के ऊपर काम किया, ओनरशिप के ऊपर काम किया, और इन्होंने थ्योरी दी जिसका नाम है वोल्टेजेस थ्योरी, जो हम पढ़ेंगे पेपर में। क्वेश्चन आएगा डिस्कस द वोल्टेजेस थ्योरी ऑफ सेविगिनी, ऐसे क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो सेविगिनी ने क्या किया, सेविगिनी ने नेचुरल लॉ थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया, और नेचुरल लॉ थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हुए सेविगिनी ने क्या किया, बोला कि लॉ जो है वो नेचुरली अपने आप नहीं बनता, लॉ लोगों की विल के अनुसार बनता है, लोगों लोग जो चाहते हैं उसके अनुसार जो है वो लॉ बनता है। तो ही गेव द कंसेप्ट ऑफ वोल्टेजिस्ट। वोल्टेजिस्ट दो टर्म से मिलकर बना है, वोल्क एंड जिस्ट। वोल्क का मतलब पीपल एंड जिस्ट का मतलब विल। तो अकॉर्डिंग टू दिस आस्टी, अकॉर्डिंग टू दिस सेविगिनी, जो लो है वो लोगों की विल के अनुसार बनता है, विल से बनता है, इच्छा से बनता है। लो इज अ विल ऑफ पीपल, जो लोग अपनी अपनी इच्छा उससे लो बनता है, लो अपने आप नहीं बनता, ना सॉवरन बनाता है, ना उसे कोई अथॉरिटी बनाती है, लेजिस्लेचर बनाता है, ना जज बनाते हैं। लो कौन बनाता है, लो लोग खुद बनाते हैं। लोगों की जो विल होती है वो विल क्या, उनकी उनकी विल उनकी कस्टम्स हैं, उनकी विल क्या है, उनकी विल उनकी कस्टम्स हैं। मान लो मैं, हम सोसाइटी के लोग कोई चीज़ सदियों से फॉलो कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे ना कि जो चीज़ हम सदियों से फॉलो कर रहे हैं वही लोग बने, कल को भी हम वही फॉलो करें, मेरी विल वही होगी। अगर हिंदुओं में जो है वो हिंदू मैरिज कैसे होती है आपको पता है, तो आगे हिंदू मैरिज एक्ट बने तो वो जैसे हिंदू में मैरिज होती है उसी प्रकार उसमें एक्ट में सारा कुछ डाला गया है, क्या कैसे हिंदू साथ फेरे नहीं, सब कुछ उसमें वैसे डाला गया है। मतलब लोग क्या चाहते हैं उनकी कस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो कस्टम से लॉ बनता है वो हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है वही एक्चुअल में लॉ है। लॉ क्या है, लॉ इज़ बेसिकली विल ऑफ पीपल। लॉ क्या है, इट इज़ बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कस्टम। लॉ क्या है, इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेडिशन। तो अकॉर्डिंग टू सेविगिनी लॉ इज़ मेड अकॉर्डिंग टू अ विल ऑफ पीपल, लॉ इज़ मेड बाय द विल ऑफ पीपल, लॉ इज़ मेड अकॉर्डिंग टू कस्टम्स विच आर द विल ऑफ पीपल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सेविगिनी क्या बोलना चाहता है। तो सेविगिनी ने क्या बोला, इन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा आगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अब आपने ध्यान से देखना है। आपने अच्छे से देखना है सेविगिनी ने क्या बोला। पहले इसने बोल के जिसका कंसेप्ट दे दिया, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे, लो डेवलप अकॉर्डिंग टू नेशन, या फिर लो डेवलप लाइक ए लैंग्वेज, आप ये भी लिख सकते हो कि लो कैसे डेवलप होता है, लैंग्वेज की तरह। जिस प्रकार एक सोसाइटी में लैंग्वेज डेवलप होती है वैसे ही लो डेवलप होता है। लो का जो ओरिजिन है वो पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से देखा जाता है। नेशन टू नेशन लॉ अलग होता है, इंडिया का लॉ अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा,
अफ्रीका का अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा। तो सेविग्नी भी यही बोलते थे कि लो जो है उसका नेशनल ओरिजिन है, सोसाइटी टू सोसाइटी लो चेंज होता है। जैसे कस्टम चेंज होते जाएंगे सोसाइटी टू सोसाइटी, वैसे लो भी चेंज हो जाता होता जाएगा, ये सेविग्नी बोलते थे। इसके अलावा सेविग्नी बोलते थे कि जो अर्ली डेवलपमेंट फ्लो थी वो तो अपने आप हो गई, द अर्ली डेवलपमेंट फ्लो वॉज स्पॉन्टेनियस एंड आफ्टर दैट जूरिस्ट डेवलप द लो। क्या क्या बोला मैंने, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ, ये आप पॉइंट्स पेपर में लिख कर आओगे पॉइंट सारे, अर्ली डेवलपमेंट लो इज वॉज स्पॉन्टेनियस एंड आफ्टर दैट जूरिस्ट डेवलप द लो। तो सेविग्नी ने क्या बोला कि शुरू में जब लॉ डेवलप हुए थे वो अपने आप डेवलप हो गए, अर्थात अपने आप कस्टम बन गए, और बाद में फिर जो जूरिस्ट थे हमारे उन्होंने उन कस्टम को लॉज में बनाने के लिए आगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन दी और फिर वो लॉज बने। ये हमारा सेविग्नी मानता है, सेविग्नी का थॉट है। सबसे पहला थॉट सेविग्नी का क्या है कि लो जो है वो लोगों की विल के अनुसार बनना चाहिए, बोल के जिस्ट का कंसेप्ट दिया। दूसरा, लो लैंग्वेज के अनुसार डेवलप होता है, कंट्री टू कंट्री चेंज होता है। तीसरा, लो जो है वो शुरू में तो अपने आप डेवलप हो गया, बाद में इसको जूरिस्ट ने डेवलप किया। चौथा पॉइंट, सेविग्नी वॉज अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ लो। ये क्या थे, अगेंस्ट द कोडिफिकेशन ऑफ लो। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जो सेविग्नी थे वो जर्मनी के थे। जर्मनी कम से कम 40 प्लस किंगडम में बांटा हुआ था उस टाइम। हर एक किंगडम के अपने अपने रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, और ये जो सेविग्नी थे ये नहीं चाहते थे कि पूरे जर्मनी में जो 40 किंगडम है उन सभी के लिए एक ही लॉ हो जाए। ये चाहते थे पहले जर्मनी को यूनिफाई करो, जर्मनी को यूनाइटेड एक स्टेट बनाओ, इकट्ठा करो, उसके बाद कोडिफिकेशन करो। ये नहीं चाहते जैसे नेपोलियन ने कोडिफिकेशन करी वैसे हम कोडिफिकेशन करें। तो ये लॉ की कोडिफिकेशन के अगेंस्ट थे, ये लॉ को कोडिफाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनका मानना था कि हर एक किंगडम के अपने कस्टम है। हर एक किंगडम मतलब हर एक नेशन, जैसे नेशन चेंज होगा किंगडम चेंज होगा, लॉज भी चेंज होंगे, कस्टम भी चेंज होंगे, रूल्स भी चेंज होंगे, तो हम पूरे ही जर्मनी के ऊपर एक लॉ नहीं इम्पोज कर सकते। तो ये कोडिफिकेशन और यूनिफिकेशन ऑफ लॉज के अगेंस्ट थे। However, ये बोलते थे कि जर्मनी पहले इकट्ठा यूनाइटेड हो जाए, यूनिफाइड हो जाए, उसके बाद कोडिफिकेशन हो तो चलेगा, पर पहले कोडिफिकेशन ऑफ लॉ नहीं कर सकते। ये कौन मानते थे, ये मानते थे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला आगे, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। सेविग्नी का मानना था कि लॉ यूनिवर्सल नहीं होता, लॉ सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता है, लॉ कैसा होता है डायनामिक होता है, लॉ कैसा होता है डायनामिक होता है, चेंजेबल होता है। जैसे सोसाइटी चेंज होती है लॉ भी चेंज होता है, ये यूनिवर्सल नहीं होता। जो लॉ इंडियन सोसाइटी में होंगे वही दूसरी सोसाइटी में होंगे ऐसा नहीं होगा, लॉ हर एक सोसाइटी के उसके कंट्री के लोगों के कस्टम के हिसाब से चेंज होते जाएंगे, ये भी सेविग्नी मानते थे। और लास्ट में सेविग्नी ने क्या बोला कि कस्टम इज ओनली सोर्स ऑफ लॉ, ओनली सोर्स ऑफ लॉ। इसने बोला जो कस्टम है वो केवल लॉ का सोर्स है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या बोला इसने सेविग्नी ने बिल ऑफ पीपल बोल के जिसका कंसेप्ट दिया, इसने बोला लॉ जो है वो कंट्री टू कंट्री डेवलप होते हैं, डिफर करते हैं। जैसे लैंग्वेज कंट्री में डेवलप होती है और लैंग्वेज हर कुछ किलोमीटर से बदलती है, वैसे लॉ भी बदलते हैं। इसने लॉ को लैंग्वेज से कंपेयर किया, लॉ डेवलप लाइक लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज डेवलप होती है हर एक पर्टिकुलर एरिया के बाद नई लैंग्वेज है, वैसे ही लॉ भी अलग होंगे। दूसरा, इसने बोला कि पहले तो लॉ अपने आप डेवलप हो गए और बाद में ऐसे फिर जूरिस्ट ने डेवलप किया। इसने बोला कि कोडिफिकेशन के फेवर में नहीं था जर्मनी के, क्यों नहीं फेवर में था, क्योंकि इसे पता था कि जर्मनी जो है वो किंगडम में बंटा हुआ है और अगर हमें एक ही लॉ सब जगह इम्पोज कर दिया तो लोग निराश हो जाएंगे। चौथा, ये मानता लॉ यूनिवर्सल नहीं होता, लॉ जो है वो स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से बनाए जाते हैं। पांचवा, लॉ डायनामिक होता है, चेंज होता था टाइम टू टाइम। और छठा, कस्टम जो है वो केवल सोर्स है लॉ का, ये किसने माना, ये माना हमारे हेनरी मेन ने। लेकिन मेरे दोस्तों, हर एक चीज़ के क्रिटिसिज्म भी होते हैं, इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। जैसे इसने एनालिटिकल स्कूल को क्रिटिसाइज़ किया, कैल्सन की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया, वैसे ही इसकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया।
मैं बताता हूँ कैसे इसकी क्रिटिसाइज हुई। पहली बात, इसने क्या बोला, लो का सोर्स है कस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है, लेजिस्लेचर भी लो का सोर्स है, प्रेसिडेंट जो जज लोग बनाते हैं वो भी लो का सोर्स है। तो पहला उसने इस पॉइंट पर क्रिटिसाइज हो गया कि ही फोकसेस ओनली ऑन द कस्टम एंड ट्रेडिशंस, बट इन रियलिटी लॉ हैज़ मैनी सोर्सेज, कस्टम, ट्रेडिशंस, प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन, दिस ऑल आर द सोर्स, बट इग्नोर अदर वन, ही ओनली फोकस ऑन द कस्टम, दैट इज द फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकेंड, इसने बोला लॉ जो है वो विल ऑफ पीपल, लोगों के विल के अनुसार बनता है, वर्क रजिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जो है वो लोगों के विल के अगेंस्ट भी बनते हैं। मान लो कि लॉ बना दिया, उसने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल अभी आप देखो हमारे कंट्री में 3 विल आए थे, फार्मर बिल, किसान जो विल आए थे 3 किसान बिल, तो वो लोगों की विल के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल हैं। लोग तो नहीं चाहते कि वो लॉ बने, वो फार्मर बिल एक्ट बने, लोग नहीं चाहते थे, पर फिर भी बना दिए। तो ये जो इसने बात बोली सेविनी ने कि लॉ जो है वो लोगों की विल के अनुसार बनता है, ऐसा नहीं है, लोग कभी कभी नहीं चाहते फिर भी लॉ बना दिया जाता है। तीसरा, इसने जज मेड लॉ को इग्नोर कर दिया, जजेस को इसने कोई फोकस नहीं दिया, जज कुछ नहीं है, लॉ बस कस्टम के अनुसार बनेगा, जज कभी लॉ को चेंज नहीं कर सकते, ये गलत बोला इसने। चौथा, इसने लेजिस्लेचर के जरिए बनाए हुए लॉ को इग्नोर कर दिया। हमारी कंट्री में हम देख रहे हैं लॉ लेजिस्लेचर बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है स्टेट की, पर इसके अनुसार इसने क्या बोला कि लॉ कौन बनाता है, केवल लोगों की बिल के अनुसार कस्टम बनाते हैं, लेजिस्लेचर लॉ नहीं बनाते। इसके अलावा इसने क्या बोला, इसने बोला जो लॉ है वो कस्टम के ऊपर डिपेंड करती है और कस्टम जो है वो लोगों की विल के अनुसार बनाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, कभी कभी कस्टम लोगों की विल के अगेंस्ट ही बनते हैं। स्लेवरी, सती प्रथा जो पहले कस्टम थे, लड़कियों को लड़कों के साथ जला दिया जाता उनके मरने के बाद, तो ये कस्टम लोगों की विल के अनुसार तो नहीं थे, पर फिर भी सोसाइटी ने इम्पोज किए हुए थे। तो जो सेविनी ने बोला था कि लॉ इज मेड अकॉर्डिंग टू कस्टम एंड कस्टम्स आर एज पर द विल ऑफ पीपल, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। कस्टम लोगों की विल के अनुसार हो ऐसा नहीं होता, कभी भी कस्टम लोगों की विल के अगेंस्ट भी होते हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसको सेविगनी को। आई होप आपको सेविगनी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट आपको, एक आपके रिकैप के लिए हमने क्या पढ़ा। तो सेविगनी हिस्टोरिकल स्कूल का बंदा था, जर्मनी का था, जर्मनी में कोडिफिकेशन के अगेंस्ट था ये पर्सन। इसने मेनली फोकस किया कस्टम के ऊपर, फोकस किया ट्रेडिशंस के ऊपर, फोकस किया वोल्कजिस्ट विल ऑफ पीपल के ऊपर। इसने कहा लॉ बनते हैं लोगों के अनुसार, लॉ बनते हैं कस्टम के अनुसार, लॉ बनाए जाते हैं लैंग्वेज के तरह ही, जैसे लैंग्वेज चेंज होती है टाइम टू टाइम, वैसे लॉ भी चेंज होते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, और जित नेशनल करेक्टर होता है लॉ का। इसने उसके बाद बोला कि जो लोगों की विल है उसके हिसाब से लॉ बनते हैं, लेकिन इसके जो पॉइंट्स थे वो क्रिटिसाइज किया गया, लोगों के विल के अगेंस्ट भी लॉ बनाए जाते हैं, जजेस को इसने इग्नोर कर दिया, लेजिस्लेचर को इसने इग्नोर कर दिया। इसके अलावा इसने बोला कि कस्टम जो होते हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं, पर ऐसा नहीं है, कुछ कस्टम लोगों के अगेंस्ट भी होते हैं, जैसे सती प्रथा। तो आपको ये समझ आ गया हो तो मुझे बता दीजिए एक बार। साक्षी आप वीडियो देख सकते हो आफ्टर इट गेट्स ओवर, आपने बहुत इजी कर दिया था सर। थैंक यू बामन सैनी जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स सर मेरे कहने पर ये लेक्चर कंडक्ट कर लिया। अच्छा जी वो आप थे, नहीं नहीं एक तो ऋषि आप तो होंगे, साथ में और भी स्टूडेंट्स हैं कुछ एक, क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू शिया पनवर, राजेश मदन, यस समझ आ रहा है, रजत पुंडी, यस सर समझ आ रहा है, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, राकेश भाटिया आ गया सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग 25 लोग मेरे साथ ज्वाइन हो और 25 के 25 हो, लीव किसने नहीं किया, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब अगला कंसेप्ट है हेनरी मेने का,
अब आई हूँ हैनुरी में। शुरू करते हैं हेनरी मेन को। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है ये वाला, मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हिदर टू फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन मेन आता है हेनरी मेने में से, बाकी कुछ नहीं आता। हेनरी मेने ने क्या एक कंसेप्ट दिया था, मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हेदर टू फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन आएगा इसको एक्सप्लेन कर दो, एक्सप्लेन इट क्या होता है ये। तो हेनरी मेने जो कि हमारे हिस्टोरिकल स्कूल के एक स्कॉलर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1861 में। बुक का नाम याद कर लेना, एंशिएंट लॉ। इस बुक में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था जिसका नाम था मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हिदर टू फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। अर्थात जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती हैं, प्रोग्रेसिव सोसाइटी मतलब जो सोसाइटी प्रोग्रेस करती हैं, उन सोसाइटीज़ में स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूवमेंट होती है, मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, हेनरी मेने क्या बोलते हैं कि इस सोसाइटी में काफ़ी पिछड़ापन होता है, एक सोसाइटी में जिसमें मेल को ज़्यादा फोकस किया जाता है, मेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको सुपीरियर माना जाता है, फीमेल्स को इन्फीरियर माना जाता है। एक फैमिली का जो मेन जो हेड होता है उसके बिना फैमिली मेंबर कुछ भी नहीं कर सकते। तो सोसाइटी जो है वो एक स्टेटस के हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज़ बांट देती है मेंबर्स के बीच। जो अच्छे स्टेटस के लोग हैं उनको अच्छी ड्यूटीज़ दे दी, जो लो स्टेटस के लोग हैं उनको लो ड्यूटीज़ दे दी। पहले सोसाइटी ऐसे होती है, लेकिन बाद में जो सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है वो ऐसी ही नहीं रहती। क्या बोला मैंने आपको कि शुरू में जो सोसाइटी है उनमें लोगों की सोच ऐसी होती है कि लोग स्टेटस के हिसाब से ड्यूटीज़ बांटते हैं। जो लो कास्ट के लोग हैं उनको लो कास्ट की ड्यूटीज़ दे दी, जो अपर कास्ट के उनको अपर कास्ट की ड्यूटीज़ दे दी, लोग ऐसा मानते हैं। हेनरी मेने क्या बोलते हैं, सोसाइटी में स्टेटस के अनुसार काम मिलता है। जिसका स्टेटस अच्छा है उसको अच्छा काम मिलेगा, स्टेटस लो है उसको स्टेटस का लो क्वालिटी का काम मिलेगा। वैसे ही फैमिली में जिसका स्टेटस हाई है उसकी बिना परमिशन के कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। जैसे फैमिली करता हेड ऑफ फैमिली, उसकी परमिशन के बिना बाकी जो फैमिली मेम्बर है वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है वो यहाँ पर नहीं रुकती, वो लगातार डेवलप होती है और स्टेटस से बात फिर कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच जाती है, जहां पे सभी लोगों को फ्रीडम होती है, जो मर्जी करो, कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो मत समझना जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि अब वो किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चाहे स्टेटस उनका जो मर्जी है वो कोई भी काम कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द हेनरी मेने कंसेप्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एंशियंट लॉ बुक लिखी थी 1861 में हेनरी मेने ने, हिस्टोरिकल स्कूल के स्कॉलर थे। इन्होंने बोला कि सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे होती है, सोसाइटी में जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो लगातार डेवलप करती है, वो हमेशा सेम नहीं रहती, वो डेवलप करती है। शुरू में तो सोसाइटी में स्टेटस के अनुसार लोगों को काम मिलता है, स्टेटस के अनुसार उनको जाना जाता है, पर जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो चेंजेस लाती है इसमें, और बाद में पर्सन के स्टेटस से हटकर वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। फिर चाहे वो सोसाइटी में जो मर्जी करे, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई टोक नहीं सकता।
फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले सती प्रथा थी, स्टेटस था वो, मैंने कहा था कि सती प्रथा होती थी, बाद में प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या हुआ, चेंज आया, अब सती प्रथा नहीं है। पहले बच्चों की मैरिज हो जाती थी, छोटे चाइल्ड मैरिज कर दी जाती थी, बाद में चेंजेस आए, स्टेटस में फ़र्क पड़ा, अब चाइल्ड मैरिज खत्म हो गई है। तो स्टेटस से कुंट्रा की तरफ होता है। पहले क्या होता था, लोग कास्ट के लोग केवल जो मतलब स्वीपर वगैरह का काम ही कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लो कास्ट के लोग जो है, जिनका स्टेटस लो है, वो भी आज आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर बन रहे हैं। तो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने वाली सोसाइटी क्या होती है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है। हेनरी मेने ने कहा था कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसमें मूवमेंट स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा हेनरी मेने का कंसेप्ट। इसके अलावा हेनरी मेने ने डेवलपमेंट ऑफ लो के बारे में बताया कि लो की डेवलपमेंट कैसे हुई। इसने बोला लो की डेवलपमेंट चार स्टेजेस में हुई। सबसे पहले लो जो था वो डिवाइन नेचर का था, डिवाइन नेचर अर्थात लो को ये माना जाता है, मैं बता रहा हूँ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लो, लो कैसे लो बना, लो कैसे कोडिफाई हुआ, कोडिफिकेशन ऑफ लो कैसे हुई। तो हेनरी मेने मानते हैं कि सबसे पहले लो जो था वो क्या था, वो डिवाइन नेचर का था, भगवान ने लो बनाया था, ऐसा मानते थे हेनरी मेन। बाद में क्या हुआ, इस डिवाइन लो को क्या किया गया, इस डिवाइन लो के कस्टम बन गए, ये कस्टमरी लो में तब्दील हो गया। कस्टमरी मतलब पहले क्या हुआ, पहले कोई लो बना जो कि भगवान ने बनाया ऐसा माना जाता है हेनरी मेने के अनुसार, जो किंग ने बना दिया, फिर बाद में वो सभी लोग उसको फॉलो करने लगे, जब लोग फॉलो करने लगे तो वो उनका कस्टम बन गया। बाद में क्या हुआ, इसके बाद अगला स्टेप क्या हुआ, प्रिस्ट क्लास एज अ सोल रिपोजिटरी ऑफ कस्टमरी लॉ। इसके बाद क्या हुआ, प्रिस्ट आ गए, प्रिस्ट मतलब पुजारी। प्रिस्ट ने क्या किया, प्रिस्ट रिकॉग्नाइज द कस्टमरी लॉ, इन्होंने क्या किया, प्रिस्ट ने उस कस्टमरी लॉ को रिकॉग्नाइज किया, लोगों को बताना शुरू किया कि हाँ भी हमारे ये कस्टम है, जो पुजारी होते हैं वो लोगों को बताने लगते हैं इसके बाद कि हाँ भाई ये हमारे कस्टम, हमें ये फॉलो करने हैं और ये फॉलो नहीं करने हैं। ध्यान सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हेनरी मेने के अनुसार क्या है, लॉ पहले एक डिवाइन लॉ होता है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। डिवाइन लॉ जब सभी लोग फॉलो करने लगते हैं तो वो कस्टमरी लॉ बन जाता है, कस्टम बन जाते हैं। फिर कस्टम को जो प्रीस्ट है वो लोगों को बताते हैं हाँ ये कस्टम सही है ये गलत है। प्रीस्ट लोगों को स्पेशल मान्यता देते हैं, लोगों को स्पेशल नॉलेज है लोगों का, इनको सभी मानते हैं। और फाइनली फिर क्या होता है, जो लोग बिल्कुल सही लोग माने जाते हैं और लोग उनको लगातार फॉलो करते हैं, उनका कोडिफिकेशन हो जाता है, उनका कोडिफिकेशन हो जाता है, उनकी हम कोड बना देते हैं, उनकी हम कोड बना लेते हैं, लास्ट स्टेज है। तो ये चार स्टेजेस है एक लॉ के डेवलप होने की, हेनरी मेने के अनुसार। जब लॉ है सबसे पहले डिवाइन नेचर का होता है, फिर वो कस्टमरी लॉ बन जाता है, फिर वो प्रिस्ट उसको बताते हैं, लोग फॉलो करते हैं, फाइनली उसका कोडिफिकेशन हो जाता है, तो हमारा हिस्टोरिकल स्कूल भी ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द हेनरी मेन एंड सेविगनी। अगर समझ आ गया तो मुझे बता दीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आदित्य कुमार प्लीज़ टाइप द क्वेश्चन। संदीप शर्मा जी, मेरे चैनल का नाम है लो विद ट्विंस, LAW लो विद WITH विद ट्विंस TWINS, आपको वहाँ शो भी हो रहा होगा, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सिया पनवर, थैंक यू सो मच। अमित राज, कितना टाइम लगेगा, बस तीन टॉपिक ख़त्म हो गए हमारे, मेन एनालिटिकल स्कूल हमारा, हिस्टोरिकल स्कूल ख़त्म हो गया, सोशोलॉजिकल स्कूल बचता है, और साथ में थोड़ा बहुत और बचता होगा, थोड़े बचा, ख़त्म कर देंगे जल्दी, डोंट वरी। आदित्य कुमार जी अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, अगर आंसर दे पाए तो जरूर दूंगा। शायद आदित्य कुमार है नहीं हमारे साथ, आगे चलें स्टूडेंट्स, आगे चलें, फिर आगे चलते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल।
सर यू कंटिन्यू, ठीक है जी बामन जी, ठीक है थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स अगर मैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करूं तो ये अगला स्कूल है, एक और स्कूल है जो हमें लॉ के बारे में बताता है, लॉ क्या है, कहां से आया है। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल जो था ये बेसिकली एनालिटिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल एंड दूसरा हमारा हिस्टोरिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल के अगेंस्ट ये स्कूल आया था। एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता था कि लॉ क्या है, कमांड है सोवरन की। हिस्टोरिकल स्कूल क्या बोलता था, कस्टम से लॉ बनता है, विल ऑफ पीपल से लॉ बनता है। सोसाइटी किसने बात नहीं करी, सोसाइटी की ना तो एनालिटिकल स्कूल ने बात करी ना हिस्टोरिकल स्कूल ने बात करी। लॉ क्यों बनाया जाता है सोसाइटी के लिए किसने नहीं बताया। तो इसीलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल आया जिसने बेसिकली फोकस किया सोसाइटी के ऊपर। अगस्त कॉम्टे को फादर माना जाता है सोशियोलॉजी का, तो अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजिकल स्कूल में बहुत अहम भूमिका निभाई। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाता है। और सोशियोलॉजिकल स्कूल का ये मानना है कि कानून जो बनाया जाता है वो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। सोशियोलॉजी एंड लॉ इन दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सोशियोलॉजिकल स्कूल के हिसाब से द लॉ इज मेड एंड इज इंटरलिंक्ड विद द सोसाइटी। लॉ इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, लॉ इज मेड फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी, दिस इज द आइडिया ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल क्यों आया, सोशियोलॉजिकल स्कूल की बैकग्राउंड क्या है। वैसे मैंने बता भी दिया आपकी, आपको लिए बड़ी महत्वपूर्ण आपको पॉइंट्स बताने लगा, वो ध्यान से सुनना आप। बैकग्राउंड देखो, जो हमारे बैंथम थे, जो हमारे बैंथम थे एनालिटिकल स्कूल के स्कॉलर थे, आपके सिलेबस में नहीं है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, बैंथम ने एनालिटिकल स्कूल की नींव रखी थी। बैंथम ने पेन एंड प्लेजर की डॉक्ट्रिन दी थी, लेजिस फेयर की कंसेप्ट दिया था। बैंथम के अनुसार क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के काम करने में हस्तक्षेप ना करे। लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लेजिस फेयर का मतलब है गवर्नमेंट लोगों को अपने आप काम करने देगी, कुछ अपना इंटरफेरेंस नहीं करेगी। कंपनीज बनेंगी, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। फैक्ट्रीज बनेंगी, लोग बनाएंगे, पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेगी, ना कोई रूल्स बनाएगी उनको रेगुलेट करने के लिए, लोग सब कुछ खुद करेंगे, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, ये लेजिस फेयर बोलता है। जो लेजिस फेयर कंसेप्ट था मेरे दोस्तों, वो कंसेप्ट था इंडिविजुअल बेस, इंडिविजुअल इंडिविजुअलिस्टिक। ये इंडिविजुअलिस्टिक कंसेप्ट था जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता था। लेजिस फेयर में गवर्नमेंट कोई, गवर्नमेंट लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी, बस एक इंडिविजुअल अपने लिए कुछ करेगा। इंडिविजुअल जो पैसे वाला है वो कंपनी इस्टेब्लिश करे, पैसे वाला बन जाए और पैसा कमाए, जो नहीं है वो वैसा ही रहेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। तो इससे क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच काफ़ी बड़े फासले आने लगे, अमीर अमीर बनने लगे, गरीब गरीब बनने लगे। बैंथम ने लेजिस फेयर को फॉलो किया था, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल इसके अगेंस्ट आया था। ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्यों आया, क्योंकि वो बैंथम के इस कंसेप्ट के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि सोसाइटी में जो कुछ भी करना होता है वो लोगों के वेलफेयर के लिए करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए। तो लेजिस फेयर के अगेंस्ट सोशियोलॉजिकल स्कूल आया, और सोशियोलॉजिकल स्कूल ने फोकस किया कि लॉ ऐसे बनाए जाएं कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, लॉ ऐसे बनाए जाएं कि सभी का वेलफेयर हो। आई थिंक आपको धुंधला दिख रहा है, मुझे लगता शायद आवाज़ क्लियर आ रही है आपको, आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को, बोर्ड दिख रहा है आपको साफ क्या। अरे जो पंडीर है ना, मैंने कंसर्व लेना सुनो फिर भी,
थैंक यू सो मच रजत पंडीर। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है हेनरी मेने का। हेनरी मेने देखो, ये एक बैक टू हेनरी मेने, दो मिनट इसको लीव कर दो यहाँ पे। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये एक जुरिस्ट की फिलोसफी है। मान लो मुझे कोई बोलेगा बताइए कुछ लोग के बारे में, मैं कुछ अपनी फिलोसफी झाड़ दूंगा, कल को उसकी बुक पब्लिश होगी, कल को वही फिर हम पढ़ने लग पड़े। तो हेनरी मेने ने क्या बोला था कि जो सोसाइटी एक होती है स्टैटिक सोसाइटी, जिसमें चेंज होता ही नहीं, पर ऐसा कभी नहीं होता, सोसाइटी चेंजेबल होती है। एक होती है प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो हेनरी मेने मानते थे कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है उसमें स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लोग जा रहे हैं। मतलब बोलने का कि जिन लोगों का स्टेटस के अनुसार काम होता था, स्टेटस के अनुसार उनकी रिस्पेक्ट थी, स्टेटस के अनुसार उनको काम मिलता था, वो प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हमेशा वैसे ही नहीं रहता। जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है वैसे वो स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। मतलब लोग जो स्टेटस के अनुसार उनको काम मिलता है वैसा नहीं होगा, अब चाहे उनका जो मर्जी स्टेटस हो, उनको अपने इंडिविजुअलिस्टिक बेस पर काम मिल जाएगा। मतलब बोलने का जो एक स्वीपर काम करते थे वो IAS ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही था कि जो लोगों के स्टेटस थे, जो स्टेटस के बेस पे लोगों को जॉब मिलती थी, काम मिलते थे, रिस्पेक्ट मिलती थी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोग्रेसिव करने वाली सोसाइटी है वो लगातार चेंज होगी, और स्टेटस से वो चेंज होकर फिर दूसरी तरफ जाएगा वो चीज़। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे मान लो कि लोगों का स्टेटस है, जो मर्जी हो उनको रिस्पेक्ट से देखा जाएगा। जैसा कि सती प्रथा पहले थी, लोगों को लड़की को जला दिया जाता, स्टेटस लड़कियों का ये था कि जो लड़की थी उसको जलना पड़ता अपने हस्बैंड के साथ। बाद में इवोल्यूशंस आए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में डेवलपमेंट हुई। अब क्या है, बाद में अब क्या रूल बना, अब ये रूल बना कि अब ऐसा नहीं है, अब चाहे एक लड़की का पति मर जाता है फिर भी लड़की द्वारा शादी कर सकती है। वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, लड़की किससे भी शादी कर सकती है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। और हेनरी मेने ने जो बात दूसरी लॉ के डेवलपमेंट की बात बोली थी, वो उसने बोला था लॉ पहले डिवाइन लॉ होता है, किंग मतलब राजा, डिवाइन भगवान का मैसेंजर माना जाता है, वो लॉ बनाता है, फिर लॉ लोग फॉलो करते हैं, वो कस्टम बन जाते हैं, फिर प्रिस्ट उसको रिकॉग्निशन दे देते हैं कि हाँ भी कस्टम सही है और ये फॉलो करने चाहिए, और फाइनली उन्हीं कस्टम को हम कोडिफाई कर देते हैं, एक्ट बना देते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में भी ऐसा हुआ, हम हिंदुओं में कैसे मैरिज होती है, पहले कभी किसने लॉ बनाए होंगे, राजा महाराजाओं ने, डिवाइन लॉ जिनको बोलते हैं, फिर उनको बाद में कस्टम के तौर पर हम लोगों ने फॉलो करने लग पड़े, बाद में फिर उनको जो है वो हमारे जो सोसाइटी के बाकी लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, उसको प्रीस्ट ने उनको माना और बाद में उनको कोडिफाई कर दिया, हिंदू मैरिज एक्ट बन गया। तो ये जनरल सा कंसेप्ट है रजत, ये कोई बड़ा डीप कंसेप्ट नहीं है, ये फिलोसफी है हेनरी मेने की जो हमें पढ़नी पड़ेगी, और आपको समझ आ गई होगी आई होप। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं करी अभी तक वीडियो, वो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। कोई बात नहीं सर, सरोज के स्कूल दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे अभी, बामन सैनी जी, ठीक है शुरू करते हैं। क्लियर वॉइस सर, बता दिया, मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ लो विद चैनल का नाम मैं आपको लिख देता हूँ द्वार से पढ़ेंगे सोशल स्कूल, डोंट वरी, मैं बोल देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, ये मेरे चैनल का नाम है लो विद ट्विंस। लास्ट में आपको एक और बात बोलना चाहूँगा, वैसे बोलना चाहता नहीं पर चलो बोल देता हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है, अगर आपको हेल्प हो मेरे लेक्चर से, हेल्प मिले तो आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मैं अपना गूगल पे नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा गूगल पे नंबर है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, ये आपकी विश होगी 8219820461। जैसे कुछ स्टूडेंट से सुपर चैट करिए, सुपर चैट ना करें, गूगल पे मैं लिख देता हूँ अपना, आप गूगल पे पे भी अमाउंट सेंड कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अगर मन है तो गूगल पे 62998204161। अगर आप लोगों का
लगता है कि आपको हेल्प हो रही है, तो ये इच्छा अनुसार है आपका, ये कोई कंपल्शन नहीं है। मन होगा तो दिस इज ओनली, दिस डिपेंड्स ऑन योर विल, दिस इज नॉट अ कंपल्शन। अगर आपको फ़ायदा हो लेक्चर से तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके मन की बात है। तो जो आगे लेक्चर बढ़ाते हैं, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल की मैं आपको क्या बता रहा था, मैं सोशियोलॉजिकल स्कूल की आपको बैकग्राउंड बता रहा था। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल जो आया था वो मेनली क्यों आया था, एनालिटिकल स्कूल और हिस्टोरिकल स्कूल के थॉट्स के वजह से। एनालिटिकल स्कूल में बेंथम ने क्या बोला कि लेजिस्फेयर होना चाहिए। लेजिस्फेयर का मतलब है गवर्नमेंट को लोगों के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। लोग प्राइवेट स्कूल खोलें, प्राइवेटाइजेशन हो, इंडस्ट्रीज बनाएं, जो मर्जी करें, गवर्नमेंट ने उसमें हस्तक्षेप करे। गवर्नमेंट ना उनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए, ना अपना उनके बीच हस्तक्षेप करे, ना कोई पाबंदियां लगाए, वो जैसे मर्जी करें। पर इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आगे आने लगी। जो इंडिविजुअल अमीर थे वो अमीर बनने लगे, जो गरीब थे वो गरीब होने लगे, सोसाइटी का वेलफेयर ख़त्म हो गया, सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट ने काम करना ख़त्म कर दिया इस अप्रोच के अनुसार। तो इसलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल एग्जिस्टेंस में आया, जिसने ये बोला कि भाई जो सोसाइटी है वो मेन पॉइंट है, सोसाइटी इज मेन पॉइंट, सोसाइटी इज इसेंशियल अमंग ऑल, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए ना कि इंडिविजुअल का वेलफेयर। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल ये मानता है कि लेजिस फियर डॉक्ट्रिन गलत है, डॉक्ट्रिन है, और सोसाइटी में कानून बनाए जाने चाहिए जो कानून सोसाइटी का वेलफेयर करें, सभी के लिए वेलफेयर करें, ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल मेनली क्या बोलता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल मेनली लॉ को सोसाइटी के साथ लिंक करता है, लॉ और सोसाइटी का आपस में रिलेशन बताता है, और बताता है कि सोसाइटी में लॉ बनाए जाने चाहिए फॉर द डेवलपमेंट सोसाइटी, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी। तो इसमें जो रोल प्ले करने वाले स्कॉलर्स हैं वो रोस्को पाउंड हैं, डुगट हैं, आहिरिंग हैं, लेकिन आपके सिलेबस में रोस्को पाउंड का रोल है और डुगट का रोल है, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे, रोस्को पाउंड क्या बोलते हैं और डुगट क्या बोलते हैं, रोस्को पाउंड एंड डुगट। रोस्को पाउंड एंड डुगट, अगर मैं रोस्को पाउंड की बात करूं तो रोस्को पाउंड का जो कंसेप्ट पेपर में आता है वो आता है कंसेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। पेपर में ये आएगा आपको, डिस्कस द रोस्को पाउंड कंसेप्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। रोस्को पाउंड ने जो थ्योरी दी थी सोशल इंजीनियरिंग की वो क्या थी, उसको डिस्कस करो। तो स्टूडेंट्स, रोस्को पाउंड ने क्या किया, रोस्को पाउंड ने जैसे इंजीनियर्स होते हैं उन इंजीनियर्स को लॉयर्स के साथ कंपेयर किया, इंजीनियर्स को लॉयर्स के साथ कंपेयर किया। रोस्को पाउंड ने बोला कि जैसे इंजीनियर्स जो होते हैं वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, जो वो सीखते हैं वो सोसाइटी की डेवलपमेंट करते हैं, वैसे ही लॉयर्स को भी सोसाइटी में अपना रोल प्ले करना चाहिए, और ऐसे रोल प्ले करना चाहिए जिससे मैक्सिमम लोगों की हैप्पीनेस हो विद मिनिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम हैप्पीनेस विद मिनिमम फ्रिक्शन। तो क्या बोला रोस्को पाउंड ने, इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू यूज देयर इंजीनियरिंग स्किल टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट, सिमिलरली सोशल इंजीनियर मींस एडवोकेट लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी विच प्रोवाइड्स मैक्सिमम हैप्पीनेस एंड मिनिमम फ्रिक्शन। रोस्को पाउंड ने बेसिकली फोकस किया सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर, जिसके हिसाब से इसने क्या किया, इसने सोसाइटी को एक सोशियोलॉजी और लॉ के बीच रिलेशन बताते हुए इंजीनियरिंग और एडवोकेट के बीच रिलेशन बताया। जैसे इंजीनियर्स होते हैं वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सोसाइटी में डेवलपमेंट लाते हैं, तो जो एडवोकेट जो लॉयर्स हैं हमारे सोशल इंजीनियर जिनको बोलते हैं, उनको भी सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, अपने पर्सनल काम नहीं करने चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, और जो लेजिस्लेचर हैं उनको लॉज बनाने चाहिए जो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट में बैलेंस मेंटेन करे।
मैं जो बात बोल रहा हूँ ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। रोस्को पॉन्ड ने क्या बोला कि जितने भी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, लॉयर्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उनको सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट में बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, और बैलेंस मेंटेन करने के लिए लॉ बनाने चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है जो सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, तो इसमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दी गई हैं। अर्थात जो हमारे उसको पाउंड है वो यही बोलते हैं कि सोसाइटी में जो सोशल इंजीनियर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, उनको ऐसे काम करना चाहिए कि सोसाइटी में डिफरेंट लोगों के जो इंटरेस्ट हैं उनमें बैलेंस हो सके। अगर एक को बोलने का राइट है तो दूसरे के अगेंस्ट वो ना बोले, गलत ना बोले, डेफामेशन ना करे, दूसरे का राइट भी वहाँ पे होना चाहिए। अर्थात आप बोल सकते हो आपको राइट है, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोल दिया कि आप किसी की डेफामेशन नहीं कर सकते। तो दिस इज अबाउट द सोशल रोस्को पॉन्ड्स सोशल इंजीनियरिंग कंसेप्ट। इसने जो मेनली जो है इसने इंटरेस्ट थ्योरी के ऊपर फोकस किया रोस्को पॉन्ड ने। इसने कहा सोसाइटी में तीन इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक सोशल इंटरेस्ट, एक पब्लिक इंटरेस्ट। तो रोस्को पॉन्ड ने बोला कि हमें सोसाइटी में केवल इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना है, लो ऐसे ना बने कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को देखें, नो, लो ऐसे बनने चाहिए कि वो सोशल इंटरेस्ट को देखें, वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखें। इंडिविजुअल के ऊपर ही फोकस नहीं करना है लो ने, लो जो बनेगा, कानून जो बनेगा वो ऐसे बनना चाहिए कि वो सोसाइटी का पूरे का वेलफेयर देखे। सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट था वो रोस्को पॉन्ड ने दिया था। कब दिया था जी? जिस टाइम पर लेजिस फियर डॉक्ट्रिन आई थी बैंथम की, उस टाइम पर ये कंसेप्ट दिया गया था इनफैक्ट, और इस कंसेप्ट के हिसाब से सोसाइटी के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि लेजिस फियर जो कंसेप्ट लेजिस फियर डॉक्ट्रिन थी उसने इंडिविजुअल अप्रोच को फोकस किया था कि इंडिविजुअल को फ्री रहने दो, जैसे मर्जी कोई इंडिविजुअल करे, गवर्नमेंट हस्तक्षेप ना करें। लेकिन उसको पॉन्ड ने बोला ऐसा नहीं होगा, हमें लॉज बनाने पड़ेंगे इक्वलिटी लाने के लिए, सोशल इक्वलिटी लाने के लिए। तो दिस इज अबाउट द सोशल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब कि जैसे इंजीनियर सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने नए नए डेवलपमेंट से, अपने नए नए प्रोडक्ट से, वैसे लॉयर्स को भी नए नए लॉज जो सोसाइटी में इक्वलिटी लाएं, लिबर्टी लाएं, बैलेंस लाएं, वो लेकर आने चाहिए और सोसाइटी में डेवलपमेंट लानी चाहिए। दिस इज अबाउट द रोस्को पॉन्ड्स कंसेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार मुझे बता दीजिए कि कंसेप्ट क्लियर है आपको रोस्को पॉन्ड का? रोस्को पॉन्ड ने बेसिकली जो फोकस किया वो इसने फोकस किया सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर, जिसमें इसने बोला कि सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए, ना कि थैंक यू सो मच राकेश भाटिया जी, इफ माई लेक्चर ऑफ आई पी सी हैव बेनिफिटेड यू दैट इज ग्रेट प्लेजर फॉर मी। सर फोन पे भी यही नंबर है मेरा, रजत पुंडीर जी फोन पे भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, ये नंबर है 8219820461। बामन जी करता हूँ मैं, देव चौधरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देव, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी को क्लियर स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, स्क्रीन में कोई दिक्कत ना हो किसी को भी। तो द्वार से लमसम पढ़ लेते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल बैकग्राउंड क्या था इसका, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्यों आया? तो इसका आने का जो मेन रीज़न था वो था हिस्टोरिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल में बैंथम ने लेजिस फियर की डॉक्ट्रिन दी थी। लेजिस फियर का मतलब क्या था कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को फ्री छोड़ देगी, लोग जो मर्जी करे, लोगों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना तो लोगों को रेगुलेट करने के लॉ बनाएगी, और लोग जो मर्जी करे, जिसके पास पैसा है वो इंडस्ट्रीज लगाए, आगे चलाए, काम करे, जिसके पास पैसा नहीं है वो इंडस्ट्रीज में काम करे।
तो इससे क्या हुआ, इससे जो लोग अमीर थे वो अमीर बनने लग पड़े। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट ने अपना सारा पल्ला झाड़ लिया, लोगों को बोल दिया जो मर्जी करो। अमीर अमीर बनते गए, गरीब गरीब बनते गए। सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देखा जा रहा था। सोसाइटी लोगों से बनती है, किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती। तो लोगों को नहीं देखा जा रहा, व्यक्ति को देखा जा रहा था। तो इसलिए सोशियोलॉजिकल स्कूल आया, जिसने बोला कि लॉ बनाए जाएँ सोसाइटी के लिए, लॉ बनाए जाएँ लोगों के लिए, लॉ बनाए जाएँ लोगों में इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए। सोशियोलॉजिकल स्कूल में रोस्को पॉन्ड ने कंसेप्ट दिया सोशल इंजीनियरिंग का। इसने क्या किया, इसने बोला कि लॉयर जो वो इंजीनियर की तरह होते हैं, जैसे इंजीनियर्स नए नए इन्वेंशंस करते हैं, प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे लॉयर्स हैं वो भी नए नए इन्वेंशंस करें, नए नए लॉज लेकर आएँ। और लॉज क्यों लाएँ, सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। हमें सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करना है, ये मेन बात है। इंटरेस्ट थ्योरी भी बोलते हैं इसको, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ रोस्को पॉन्ड तो यही लिखा जाएगा, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि बैंथम ने तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के ऊपर फोकस किया, इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया, लेजर फेयर के ऊपर फोकस किया, लेकिन जो रोस्को पॉन्ड थे उन्होंने सोसाइटी पे फोकस किया, सोशियोलॉजी के ऊपर फोकस किया। उन्होंने बोला लॉज बनाए जाएंगे सोसाइटी के लिए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अमान सबीर आईपीसी का लाइव सेशन मैंने रखा था, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर लाइव सेशन है, वहां पे अपलोडेड। बामन जी थैंक यू सो मच फॉर सुपर चैट, आप सुपर चलो ठीक है जो आपने किया, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आई होप बामन जी आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट की बैकग्राउंड क्या थी। फिर तभी सोशियोलॉजिकल स्कूल आया। सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या करता है, सोसाइटी पे फोकस करता है। सोसाइटी के बारे में लिख के आना आपने इसमें, आप इसमें अगस्त कॉम्टे के बारे में लिख सकते हो, आप इसमें दुर्खेम के बारे में लिख सकते हो। तो आई होप आपको सोशियोलॉजिकल स्कूल समझ आ गया होगा। ये जो अगस्त, ये जो हमारा उसको पाउंड है, अब आता है डुगट। डुगर जो है ये भी सोशियोलॉजिकल स्कूल के बंदा है, एक स्कॉलर है। इसने जो कंसेप्ट पेपर में आता है वो आता है सोशल सोलिडारिटी, सोशल सोलिडारिटी। इसको एक्सप्लेन कर दो, पेपर में ये क्वेश्चन आता है सोशल सोलिडारिटी। क्लियर है आपको? तो सोशल सोलिडारिटी का मतलब क्या होता है, डुगट हमारे ये मानते थे कि सोसाइटी में कोई भी सेल्फ डिपेंड नहीं है, हर एक व्यक्ति सोसाइटी में दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर कोई व्यक्ति बोले मेरे पास सब कुछ है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो वो गलत बोल रहा है। हर एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंड होता ही होता है। तो जब इंटरडिपेंडेंस लोगों में आती है तो उसको बोला जाता है सोशल सोलिडारिटी। सोसाइटी में मजबूतता, सोसाइटी में आपस में लोगों की यूनिटी, सोलिडारिटी मतलब यूनिटी। तो सोशल सोलिडारिटी का मतलब क्या है, ये जो कंसेप्ट था डुगर ने दिया था, इसके अनुसार सोशल सोलिडारिटी का मतलब क्या होता है, सोसाइटी में ऑल पीपल्स आर इन नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर देर इज इंटरडिपेंडेंस अमंग द पीपल, पीपल आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। And according to Duggett, laws should be made in such a manner to develop the social solidarity. क्या बोला मैंने आपको, पहले social solidarity का मतलब क्या होता है, social solidarity का मतलब होता है society में जो भी laws बनते हैं वो society के लिए बनते हैं, society के welfare के लिए बनते हैं। society में हर एक व्यक्ति दूसरे पर depend है, कोई self sufficient नहीं है। तो डुगर के अनुसार जो भी सोसाइटी में लॉ बनाए जाएंगे वो ऐसे बनाए जाएं कि सोसाइटी में सोशल सोलिडारिटी डेवलप हो, सोसाइटी में सोशल सोलिडारिटी इनक्रीज हो, लोगों में जो आपस में इंटरडिपेंडेंस है वो बढ़ जाए, लोग आपस में डिपेंड करें, अच्छे से रहें। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सोशल सोलिडारिटी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सोशल सोलिडारिटी, यस।
आई होप आपको समझ आ गए होगा ज्यूरिसप्रूडेंस के बारे में जो मैंने आपको बताया। डुगर का कंसेप्ट सोशल सोलिडरिटी आपको लग गया होगा पता, कंसेप्ट मेनली यही है सोशल सोलिडरिटी, मतलब सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोई कोई जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है बल्कि लोग एक दूसरे के ऊपर। तो जो लॉज हैं वो ऐसे होने चाहिए कि लोगों की सभी को आपस में जोड़कर रखे, मिलाकर रखे और इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाए सभी के लिए, मतलब एक जैसे लॉ होने चाहिए, मतलब सिंपल सी बोलने मतलब जो कोडिफिकेशन हो लॉ की वो एक जैसी होनी चाहिए, लॉ सभी के लिए सेम बने। अब IPCC है सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, CRPC सभी के ऊपर एप्लीकेबल होती है, एग्जाम्पल्स है सोशल सोलिडरिटी के, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, सभी के ऊपर होती है। तो सोशल सोलिडरिटी का मतलब यही है कि लॉज ऐसे हों जो सभी के ऊपर एक जैसे एप्लीकेबल हों और लोगों को आपस में बांध कर रखें। तो ये हमारा कंसेप्ट था सोशियोलॉजिकल स्कूल का। अब आता है हमारा रियलिस्टिक स्कूल। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं, रियलिस्टिक स्कूल। रियलिस्टिक स्कूल इसमें बेसिकली अमेरिकन रिलीजन के बारे में बोला है आपको, अमेरिकन रियलिज्म अमेरिकन भी होता है, स्कैंडिनेवियन भी होता है, पर अमेरिकन है आपके पास, स्कैंडिनेवियन नहीं है आपके सिलेबस में। और बच्चों साथ में जो बच्चे IPCC के लेक्चर के लिए बोल रहे हैं मुझे एक बार बता दें पेपर कब है आपका, IPCC का लेक्चर भी लेंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इनफैक्ट 3-4 दिन के बाद जब भी आप बता देने के बाद मुझे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ आपको मैं अपना, 9816492276। इसमें मैसेज कर देना, सिलेबस सेंड कर देना, साथ में कोशिश करेंगे पूरी IPCC एक लेक्चर में कवर कर ले। मेरे मैसेज ठीक है। तो मेरा जो ब्रदर है मुनीश वो स्पेशली बोलने आए थे कि IPCC लेक्चर, आई विल टेक द IPCC लेक्चर स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर लूँगा IPCC का। तो अगर आप बच्चों को IPCC का लेक्चर चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना, सिलेबस सेंड कर देना, IPCC का लेक्चर भी आपको डिलीवर करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और आई होप आप इस वीडियो को फैलाओ ताकि हमें बाकी भी जो लोग हैं वो देख सकें, जो आपके जो भी आपके क्लासमेट्स हैं। सर प्लीज़ प्रोवाइड योर UPI कॉन्ट्रीब्यूशन। UPI ID मैं बताऊँ आपको तो ये दीजिए, 82-198-20-461@YBL, दिस इज UPI ID, 82198-20461@YBL, YBL। फ़ोन पे में अगर आप ये नंबर डालते हो तो भी पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड फॉर दिस रिस्पेक्ट। तो अभी हम रियलिस्टिक स्कूल पे चलेंगे। अगर मैं रियलिस्टिक स्कूल की बात करूँ तो नाम ही बताया रियलिस्टिक, ये आइडियल अप्रोच के अगेंस्ट है। आइडियल मतलब क्या सही है, रियलिस्टिक मतलब रियलिटी में क्या है। तो रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो मेनली ये बात करती है कि जो लॉज हैं वो कौन बनाता है, वो लॉज बनाए जाते हैं जजेस के जरिए, बस यही इसका मेन आइडिया है। जो रियलिस्टिक अप्रोच है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड एनालिटिकल अप्रोच का मिक्सचर है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच हमने पढ़ ली पीछे, सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल हमने पढ़ लिया, इन दोनों के मिक्सचर से निकल के क्या आया था हमारे पास, रियलिस्टिक स्कूल आया था। कुछ लोग रियलिस्टिक स्कूल को सोशियोलॉजिकल स्कूल का ही पार्ट मानते हैं, पर कुछ लोग इसको अलग से स्टेटस देते हैं कि अलग से स्कूल है। तो अगर मैं रियलिस्टिक स्कूल की बात करूँ तो रियलिस्टिक स्कूल अमेरिकन रियलिज्म भी इसको बोला जाता है और इसको स्कैंडिनेवियन रियलिज्म भी बोला जाता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यूरोप में भी ये डेवलप हुआ और अमेरिका में भी डेवलप हुआ। आपको अमेरिकन रियलिज्म के बारे में है तो आप लिखोगे कि लोग ऐसे बेसिकली बनाता कौन है, हमारे जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है।
तो जो रियलिस्टिक स्कूल है वो ये मानते हैं कि लो जो रियल सेंस में है वो जजेस ही बनाते हैं, फैक्ट्स को देखकर जो वो जजमेंट देते हैं तो वो लो बन जाता है। लो कोई लेजिस्लेचर नहीं बनाता, इनके हिसाब से लो बनाने का जो पावर है वो किसको होनी चाहिए, जजेस को ही होनी चाहिए। इसके सपोर्टर कौन थे, सबसे बड़े सपोर्टर ग्रे, प्रोफेसर ग्रे सबसे बड़े सपोर्टर थे, होल्मस, जो दैट इज फ्रैंक कौन से थे, यस जेरोम फ्रैंक ये इसके सपोर्टर्स थे सारे, कार्ल लेलिबियन ये सारे इसके सपोर्टर्स थे, अमेरिका के सारे जुरिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला कि लो नेचुरल लो जो सही सेंस में लो कौन बनाता है, वो जजेस बनाते हैं, लेजिस्लेचर नहीं बनाते। लो सही सेंस में जजेस बनाते हैं, लेजिस्लेचर नहीं बनाते। लेजिस्लेचर का काम लो बनाना नहीं है, लो बनाने का काम बेसिकली किसका है, लो बनाने का काम बेसिकली जजेस का है। और यही हमारी रियलिस्टिक अप्रोच है। मैंने आपको सपोर्टर बता दिए, सपोर्टर कौन कौन है, सपोर्टर हैं हमारे ग्रे, होल्मस, लेलिवियन, जेरोम फ्रैंक, ये हमारे सपोर्टर्स हैं। तो कुछ एक मेन में पॉइंट्स लिखते हैं इस स्कूल के, अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल के। सबसे पहला पॉइंट आप ले सकते हो कि मिक्सचर ऑफ ये स्कूल जो है, मिक्सचर ऑफ सोशियोलॉजिकल प्लस सोशियोलॉजिकल एंड एनालिटिकल स्कूल। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो रियलिस्टिक अप्रोच आई ये बाद में आई है, सोशियोलॉजिकल और एनालिटिकल दोनों का मिक्सचर आके। क्यों, क्योंकि एनालिटिकल स्कूल की बनती, एनालिटिकल स्कूल बात करता था लो एज इट इज़, जैसा लो है वैसा हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये भी ये बोलते हैं जैसा लोग जज बना रहे हैं वैसे लो आगे लेकर आओ। जज ही लो बनाते हैं सर्कमस्टेंसेस को देखे, लाइफ से जो लो नहीं बनाती, फैक्ट टू फैक्ट जज लो बनाते हैं। तो एनालिटिकल अप्रोच इसलिए और सोशियोलॉजिकल अप्रोच इसलिए क्योंकि सोशियोलॉजी में बेसिकली इस स्कूल में फोकस सोसाइटी के ऊपर किया गया था। तो ये स्कूल भी ये बोलता है सोसाइटी में लोगों के वेलफेयर के लिए लोगों के सर्कमस्टेंसेस को देखकर जजेस जो है वो लो बनाते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है इस स्कूल में माना गया है। पहला इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड एनालिटिकल स्कूल, कौन सा स्कूल, अमेरिकन रियलिज्म की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, इट इज स्कूल फोकस ऑन जज मेड लॉ, ये स्कूल है ये फोकस करता है जज मेड लॉ के ऊपर, ये इंडिविजुअल मेड लॉ के ऊपर फोकस नहीं करता। कमांड थ्योरी एंड ब्रोकरेज थ्योरी मैंने दोनों ही एक्सप्लेन कर दी हैं, हीरा पब्लिक स्कूल मीरठ मैंने दोनों ही एक्सप्लेन कर दी हैं। इस सेशन को दोबारा से देखना, कल सुबह जल्दी उठ के एक सेशन को देख लेना, कल तक अपलोड हो जाएगा या शाम तक अपलोड हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा सुन लेना 2 घंटे फास्ट फास्ट करके, आपको समझ आ जाएगा सारा। सो विल ट्राई फॉर दिस या। तो दूसरा पॉइंट है जजेस मेड द लॉ, जजेस लॉ बनाते हैं एक्चुअल सेंस में एंड नॉट द लेजिस्लेचर। तीसरा जो पॉइंट है स्कूल का वो है लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉ इन रियल सेंस। ये स्कूल बोलता है कि भाई लेजिस्लेचर लो नहीं बना सकते रियल सेंस में, रियलिस्टिक स्कूल बोलता है रियल सेंस में लो कौन बना सकता है, जजेस, क्योंकि वो केस देखेंगे सरकमस्टेंस देखेंगे फिर लो अप्लाई करेंगे और रियलिटी में वही लो बना। लेजिस्लेचर रियल सेंस में लो नहीं बना सकते, ये आइडियल सेंस में लो बना सकते हैं, ये स्कूल मानता है। और चौथा जो पॉइंट है वो है लो कैन नॉट बी सर्टेन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रियलिस्टिक, इनके अनुसार लो सर्टेन नहीं हो सकता, लो अनसर्टेन होता है। क्यों, अगर लो सर्टेन हो गया तो वो चेंज नहीं हो पाएगा,
लेकिन लो जो अनसर्टेन है, लगातार चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? सोसाइटी के अनुसार। एक केस आया हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, उन्होंने डिसीजन दिया, दूसरा केस है उसमें फैक्ट्स चेंज थे, नया डिसीजन दिया, तो लो लगातार चेंज होता है सोसाइटी के अनुसार, लो जो है सेम नहीं रहता। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को? स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर कीप वॉचिंग। नेचुरल लॉ स्कूल लास्ट वाला जो है मैं अभी नहीं करवाऊंगा, आपको करवा भी नहीं पाऊंगा शायद, क्योंकि मैंने ये जो लेक्चर प्रिपेयर किया वो स्पेशली बच्चों के बोलने पर पिछले कल ही प्रिपेयर किया। मेरे पास 5 या 6 घंटे थे, अपना जो काम होता है बड़ी मुश्किल से इतना सारा प्रिपेयर कर पाया मैं आप लोगों के लिए। नेचुरल लॉ मैं प्रिपेयर कर नहीं पाया, और मैं बताने में आपको बता दूँ, जनरली बता देता हूँ वैसे, लेकिन इतना अच्छे से बता नहीं पाऊँगा। स्टैमलर और जो उन्होंने बेसिकली दो स्कॉलर पूछे उन्होंने क्या बातें बोली, पर्टिकुलरली नहीं बता पाऊँगा। क्यों नहीं बता पाऊँगा? क्योंकि मैंने उनको देखा ही नहीं अभी तक। मुझे लगा 7 टॉपिक्स में से मैंने एटलीस्ट 5 तो करने हैं, तो 5 मैंने आपको करवा दिया आपके सिलेबस में से। 2 टॉपिक नहीं करवाए, एक नेचुरल लॉ स्कूल और दूसरा लास्ट में कार्ल मार्क्स का। तो मैं आपको जनरल सा बता देता हूँ, नेचुरल लॉ स्कूल जो था वो बात करता था लॉ की, कि लॉ कैसे बनता है नेचुरली अपने आप। लॉ को ना तो लेजिस्लेचर बनाता है, लॉ को ना तो कोई कमांड देकर सुपीरियर बनाता है, लेकिन लॉ ऑटोमेटिकली सोसाइटी में खुद बनता है नेचर की वजह से। नेचुरल लॉ ये मानता था कि लॉ जो है वो भगवान बनाता है, डिवाइन बनाता है। इसे लॉ मेड बाई गॉड भी बोला जाता था, जाता है। कुछ लोग भगवान ऑटोमेटिकली बना के भेजते सोसाइटी में, नेचुरल उसके ऊपर फोकस करता है। आप एक बार बुक में देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा जो कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट था वो डिवीज़न ऑफ लेबर के ऊपर फोकस करता है, कि लोगों में लेबर का डिवीज़न होना चाहिए और जो जितना काम करे उसे उतना बेनिफिट मिलना चाहिए। आप इसको देख लेना। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। अगर लेक्चर में कोई दिक्कत हो, जितना पढ़ा किसी कोई दिक्कत हो प्लीज़ आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लीव द लेक्चर। सर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर प्लीज। मोहिनी सैनी विल ट्राई। मुझे बता दीजिए। बामन सैनी जी, मैंने कंप्यूटर के लेक्चर बनाए हैं, 3 मैंने स्पेशल लेक्चर दिए हैं, रिवीजन सेशन आप एक बार वहाँ देखिए प्लीज़। बाकी मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ी सी लाइफ शेड्यूल बिजी चला हुआ है, विल ट्राई फॉर दिस। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, लगातार लेक्चर में बने रहे। आई होप आपको समझ सब कुछ आया होगा। और लास्ट में स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ UPI के लिए बोल, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा, इसमें मुझे सिलेबस सेंड कर देना IPC का, और बाकी भी कॉन्ट्रैक्ट भी आकर सिलेबस सेंड कर देना। विल ट्राई 9664-5276। जो मेरा गूगल पे है वो ये है, ये कोई कंपल्शन नहीं होगी, ये आपकी अपनी विश है। जैसे UPI है वो ये है, @YBL। तो मैंने आपको ये तीनों बता दी चीज़ें जो आप यहाँ पे डिमांड भी कर रहे थे। सर आ गया समझ, थैंक यू मोहिनी, थैंक यू। बाकी भी जो रजत जी, बाकी स्टूडेंट जिन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज किया था लेक्चर के लिए, बता दें समझ आ गया। तो लेक्चर ख़त्म करता हूँ, और फिर संदीप शर्मा जी चैनल का मैं नाम बता देता हूँ, लो विद ट्विंस। इस चैनल पर हम दो ब्रदर हैं, जुड़वा भाई हैं हम दोनों ने लो करी है, लो में मास्टर्स करी है, और इसी चैनल पे हम लोग वीडियोस डालते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, जुरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लो, आपको हिंदू लो, मुस्लिम लो, बहुत सारी वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लू कलर का लोगो होगा इस चैनल पे, लो विद ट्विन के नाम से ऐसे करके लोगो होगा। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें। एक्सप्लेन इन वेरी लूसिड मैनर एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर। थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन।
सिया मोस्ट वेलकम, माई प्लेजर, माई प्लेजर। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो आपको, मैं आपके सिलेबस को देखकर एक बार क्वेश्चंस बता देता हूँ, सिलेबस को देखकर क्वेश्चन बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इंपॉर्टेंस, इसमें मेन क्वेश्चन बनता है। डेफिनेशन क्या है ज्यूरिसप्रूडेंस की, स्कोप क्या है ज्यूरिसप्रूडेंस का, इंपॉर्टेंस क्या है, बस ये क्वेश्चन बनता है। एनालिटिकल स्कूल में आता है जॉन आस्टी कमांड थ्योरी क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, कैल्सन की प्योर लॉ थ्योरी क्या है, वेनस स्कूल का मतलब क्या है, एच एल ए हार्ट के प्राइमरी सेकेंडरी रूल्स क्या है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हिस्टोरिकल स्कूल में आपको आएगा सेविग्नी का बोल्ड जेस्ट क्या है, हेनरी मेने का प्रोग्रेसिव सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सोशोलॉजिकल स्कूल में आपको आएगा कि रोस्को पॉन्ड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी क्या है, डुग्गट की सोशल सोलिडरिटी की थ्योरी क्या है, और अमेरिकन रियलिस्टिक में आपको आएगा है क्या अप्रोच, ये तो आपको मैंने बता दिया। अमित राज, मैंने काफ़ी वीडियोज डाली हैं, चलो आई विल ट्राई। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू लीव द सेशन। किसी ने कुछ बोलना हो तो बता दीजिए, मैं सेशन लीव कर रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दें, किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक जरूर कर दें। कोई क्वेश्चन हो तो मैं एक मिनट वेट कर रहा हूँ, फिर मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू अमित राज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वामन जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बने रहें। बाय सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय मोहिनी सैनी, थैंक्स सर, थैंक्स राकेश जी, थैंक्स सो मच, थैंक यू सो मच। वो क्वेश्चन सर आपने पास होने का जुगाड़ करवा दिया, नो क्वेश्चंस सर आपने। आई होप आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओ, आई होप फॉर दिस। ओके, थैंक यू एवरीवन। नाउ आई एम गोइंग टू लीव द सेशन, थैंक यू सो मच।